अब शिफा बताइए कि क्या किया जाए? जो तू चाहे। अच्छा, मतलब ऐसा हो गया है कि अब जो मैं चाहूं वो कर लूं इस प्रोग्राम में? बिल्कुल, जो आपने क्या इस प्रोग्राम से अपने आप को लाताल्लुक कर लिया है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ये मुझे तो मैं आपको रिगार्ड दे रही हूं ऑनियर लोगों के सामने, मैं कह रही हूं कि डिसीजन लें, जो आप चाहते हैं वो करें। अच्छा जी, नहीं नहीं, मैं भी आपको कहता हूं जो तू चाहे वो कर ले, कोई मसला, जो हम चाहे वो कर लेते हैं। अब ये जो मामला है जो तू चाहे का, होता यह है कि पहले आप में गाड़ी निकल जाती है, लेकिन ये जो तू चाहे, ये है हम टीवी का एक ड्रामा जो के शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो हमें पूरा यकीन है कि लोगों के दिल जीत लेगा। MD प्रोडक्शन के इस प्रोजेक्ट की कहानी कैसरा हयात ने तहरीर की है, डायरेक्टर इसके हैं इलियास कश्मीरी, और ड्रामा जो तू चाहे हम टीवी पर नशर होगा। अब इस ड्रामे की कहानी क्या है, कास्ट इसकी मौजूद है, कास्ट से तारुफ करवाने से पहले हम जरा इस ड्रामे का एक ट्रेलर ना देख लें। बिल्कुल देख लें, जो तू चाहे। ये बिल्कुल, तो ट्रेलर देखते हैं। उनका नाम हंसता मुस्कुराता चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के आगे घूमता रहता, बस दिल करता उन्हें देखती रहूं, क्यों लगता है कि हाशिर भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। था जिसमें खुदा दिल तुझको दिया। अरे मोहब्बत करने का दिल चाह रहा है तुमसे, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? जी, ट्रेलर आपने देख लिया, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, तो जरा इंटेंस किस्म का ट्रेलर लग रहा है, इंटेंस किस्म का ड्रामा होगा। तो हमारे साथ जो कास्ट मौजूद है उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ज़र्निश खान। ज़र्निश, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। ज़र्निश से कैमरा जो है वो जरा आगे ले जाइए, कैमरा लेफ्ट पैन करते हैं, वो कर चुका और वो रुक जाता है वहां पर, कैमरा रुक जाता है। वो जो कैमरा रुकता है तो क्यों रुकता है, क्योंकि वहां पर हैं इमरान अब्बास। इमरान अब्बास, वन एंड ओनली। बिल्कुल, वन एंड ओनली। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक। और फिर जरा कैमरे को जरा सा आगे पैन करके लेकर जाते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त यंग एक्ट्रेस जो कि अपने काम से सबके दिल जीत रही हैं, अरीज मुहिउद्दीन। हाउ आर यू अरीज? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो हमारे प्रोग्राम में अब शायद तीसरी दफा शामिल हुई, आप तो अपनी हैं। बिल्कुल जी, तो हम ज़र्निश से आगाज कर लेते हैं। ज़र्निश, पहली चीज, पहला सवाल, इस ड्रामे में आप क्या कर रही हैं, क्या कैरेक्टर है आपका? मेरा कैरेक्टर का नाम बिस्मा है, और ये एक बहुत ही ट्विस्टेड एट द सेम टाइम बहुत फन कैरेक्टर है। मतलब मुझे अपने बाय फार अपने करियर का सबसे फन कैरेक्टर लगा टू प्ले। हाँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे शेड्स हैं इसमें, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। वैसे आई थिंक हर लड़की से रिलेट कर सकती है, क्योंकि बहुत हाई मेंटेनेंस किस्म की है। हालांकि शी डजंट कम फ्रॉम अ वेरी हाई मेंटेनेंस, स्लाइटली या मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी। हाँ, बहुत ज्यादा है ना। तो ये और इसकी जो माँ दिखाई हुई है ड्रामे में, तो वो बहुत हाई मेंटेनेंस हैं दोनों, और वो उनको देख के लगता नहीं है कि इसी तरह के बैकग्राउंड से आती हैं, यू नो द काइंड ऑफ ड्रेसिंग एंड द काइंड ऑफ यू नो द वे दे कैरी देमसेल्व्स। तो अपने, लेकिन बहुत इजी, बहुत सिंपल लड़की है। उसकी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि जिस लड़के से वो बहुत ज्यादा अच्छा, प्यार वो करती है। हाथ उठा दिया उस ख्वाहिश ने। उस ख्वाहिश ने हाथ उठा दिया, ये ख्वाहिश है इस लड़की की वाहिद। अच्छा। और इस लड़की का मतलब कि वैसे इसमें कोई अच्छा, इनिशियली आई थिंक कि जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट में इसको थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव रखा हुआ था। And then I had a word with Ilyas bhai, क्योंकि मेरी एक पर्सनल अप्रोच है towards the kind of characters I pick. मुझे लगता नहीं है, हाँ ये सही बात है कि हर कैरेक्टर जो हम प्ले करते हैं कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, पर मुझे जेन्युइनली अंदर से ऐसे लगता है कि कोई नेगेटिव इतना होता नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं होता। आप चाहती हैं कि आप नेगेटिव रोल ना करें? हाँ, मतलब मुझे ये होता है कि अगर इवन इफ इट्स अ नेगेटिविटी कैरेक्टर, तो उसमें एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए आपको, कि देयर हैज टू बी अ रीजन। सो व्हाटएवर नेगेटिव पार्ट शी प्लेज इन द ड्रामा इज बिकॉज शी इज डीपली मैडली इन लव विद दिस गाय, और वो बस कहते नहीं इश्क में और जंग में सब जायज, तो बस ये फिर जायज हो जाता है। हम इश्क की तरफ चलते हैं, बहुत मुश्किल से संभाल। अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई। मतलब मैं करीब मिडिल क्लास लड़का हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हुआ, और उसके बाद इसकी जो ये डिजाइनर से कम कपड़े नहीं पहनती, इसको सैलून लेके जाना होता है, मतलब ये गलत जगह पे पैदा हो गई है। ये इश्क करने से पहले इंसान सोचता नहीं है ना? नहीं, इश्क करने के बाद भी नहीं सोचता वो, तो इश्क के बाद तो सोच के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इश्क जो है ना आपकी, जो है ना वो कहते हैं आपके सोचने समझने की सारी सलाहियतें जो है ना आपकी, वो मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी और बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी होती है, और उसके बाद फिर कारोबार में मंदी होती है, उसके बाद कारोबार शदीद मंदी होती है। तो आप फिर कैसे संभाल रहे हैं, वो क्या जतन कर रहा है?
स्ट्रगल क्या है उस कैरेक्टर की? बस वो आखिर में मैं गिव अप कर देता हूँ, इसलिए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता नाम. हाँ. जिंदगी में मतलब इतनी खूबसूरत लड़की में जो है ना, मैं आखिर में कहता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ. ये आपको बाद में पता चलेगा कौन किसको छोड़ता है. हाँ. ये जो कह रही है ना कि इतनी नेगेटिव नहीं है, ये बस इनकी इंटरप्रिटेशन है. मेरे तो ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव लोग होते हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत ही होते हैं. अच्छा, ये खूबसूरती का नेगेटिव लोग जो होते हैं ज्यादा नेगेटिव होते हैं. तो ये जो है ना, ये पूरा मशहूर वाली है. अच्छा, वैसे पता नहीं. चले भाई, हेलो सुन ले. वो पुरानी फिल्मों में होता था कि विलन को दिखाने के लिए उनको ज्यादा खूबसूरत ही थे हमारे समय में. बर्बाद किया क्यों? खूबसूरत तो आप भी कम नहीं है, आपके ऊपर तो ये इल्जाम नहीं लगा. क्या पता किसी और ने ये कहा कि इमरान ने बहुत बर्बादी मचाई. हो सकता है मचा दी हो ना चाहते हुए. देखिए, जब धरना करते हैं ना तो सोचते थे कि धरना कोई और भी कर सकता है, तो किसी की खूबसूरती पर बात करने से पहले ये भी सोचिए आपकी खूबसूरती पे भी आता. बड़ी जरा नवाजी है जी, आपको बहुत शुक्रिया. अरीज, आप क्या कर रही हैं? ड्रामे में बिल्कुल. और क्या जिंदगी में? नहीं, अभी कहीं आई उस पे भी आएंगे यार. सुनाओ क्या हाल चाल है. ये अरीज बस तेजी से आती है और तेजी से चली जाती है, और एक जी आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह निकल जाती है सेट के ऊपर. ये बस आंधी तूफान तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा है. ये मेरी शख्सियत का हिस्सा है. आई ट्राई टू स्लो डाउन माय सेल्फ, लेकिन क्या करूं, बस कोशिश जारी है. हां, ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसे फौरन तो नहीं हो जाएगा. अपने कैरेक्टर का बताओ. मैं इनकी बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट है, बहुत ज़्यादा शातिर लड़की है. अच्छा। उसे पता है उसने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपने मकासद को हासिल करना है. शी इज़ वेरी तैयारी, होमवर्क पक्का. हाँ जी. तो मकासद क्या है उसके? उसके मकासद, पहला मकसद था अपनी मोहब्बत को हासिल करना, जो कि उसने कुछ भी करके किसी तरह से भी उसको हासिल कर लिया. अच्छा। अब जो स्टोरी जाएगी वो है कि आगे क्या होता है, किस तरह वो इनके भाई का जो कैरेक्टर है वो उनके साथ अरीशा को मोहब्बत हो जाती है. अच्छा। तो अब तो बट्टा सट्टा चल रहा है. हाँ, दो फैमिलीज की ही कहानी है, बल्कि दो तीन फैमिली, एक ही खानदान की कहानी है. और जब आप इतनी क्लोज फैमिली में रह रहे होते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी कहानियां वो जन्म ले रही होती हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मोहब्बतें भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं. इवेंचुअली मोहब्बत फाता है आलम, तो मोहब्बत ही जीतती है. और यही है कि जो छोटी मोटी हम लोगों को हमारी जिंदगियों में, जो खानदानों में जो नाचाकियाँ होती हैं, तकरार होते हैं, वो उसकी खूबसूरती भी होती है एट द सेम टाइम. लेकिन उसको फिर फाइनली उससे निकल कर आपको जो एक हमारे सेट की, मतलब वो ये वो इंसान है जिसको देख कर ना मैं तो लेकिन ड्रामे में कैरेक्टर बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी से ऑपोजिट है. बिल्कुल ऑपोजिट. उन्होंने जो बताया वो हमें देख के पता चल रहा है कि कंप्लीटली डिफरेंट. बहुत डिफरेंट है जी. इसका मतलब है कि फिर एक्टिंग तो आपकी कमाल है ना, क्योंकि आप अपने आप से बिल्कुल ऑपोजिट एक कैरेक्टर कर रही हैं. बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ सीखने को मिला. हर रोज सेट पे सब मुझे बैठा के बताते थे. इन्होंने मुझे समझाया कि देखो अल्फाज को ऐसा ऐसा बोला करो, और उन्होंने समझाया कि एक्सप्रेशंस को कैसे कंट्रोल करना है. इलियास से हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे हर दिन बैठ के, इवन के स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इस करेक्टर को एब्जॉर्ब करने में, इसको समझने में, और फिर उसको बिल्कुल उतना पोर्ट्रे करने में. लेकिन विद टाइम आई लर्न, और यही आप रोजाना सीखते हैं, और आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर मी. यही बात है ना कि आप इस काम में सीखते रहते हैं. लेकिन जर्नेश ने तो काफी एक जर्नी कवर की है. बड़े अरसे से हम देखते हैं ड्रामास, और कभी जो कोई कैरेक्टर करती है कभी मकबूल हो जाता है, कभी लोग कहते हैं नहीं ये ना करती, बहुत रोई हैं इस ड्रामे में. क्यों ऐसे भी कहते हैं लोग? बिल्कुल, एक ड्रामे में तो बहुत ही रुलाया इनको, या बल्कि कईयों में रुलाया. लेकिन ये कि लोग मतलब मुख्तलिफ देते हैं, फीडबैक देते हैं. आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा कैरेक्टर था जिसको करके आपको मजा आया कि चैलेंजिंग था? हाँ, अच्छा ये बड़ी आयरॉनिक बात है. पहले मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि लोग वाकई ये कहते हैं कि आप इतना स्क्रीन पर होती हैं, पर आप लोग रोना धोना ही तो देखना चाहते हैं, कुछ और बना दो तो रेटिंग ही रोने धोने पे आती है. वो ये कहें भाई हर जगह यही चल रहा है तो हम यही देखते हैं, फिर वो भी ये कह सकते हैं. और वो सबसे जिस मैं भी उर्दू लुगत का लफ्ज निकालूंगी, मकबूलियत जिस जिन कैरेक्टर्स को मिली है रोने वालों को, वो रोने वालों को ही मिलती है. लेकिन बाय फार आई थिंक जो मेरे लिए मेरे दिल के सबसे करीब कैरेक्टर्स हैं, वो जिसके लिए मुझे कुछ आउट ऑफ द वे जाके मेहनत भी बहुत करनी पड़ी थी, प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ी थी फॉर लाइक मंथ्स, पढ़ना
पढ़ना भी पड़ा था स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ता ऑब्वियसली, अदरवाइज यू कैन गेट द जिस्ट ऑफ योर कैरेक्टर एंड यू नो व्हाटएवर, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आप अपने कैरेक्टर को इतना अच्छा पोर्ट्रे कर ही नहीं सकते अगर सिर्फ आप अपना पढ़ें. अगर आप स्क्रिप्ट के अंदर के बाकी शेड्स या बाकी कैरेक्टर्स या स्टोरी लाइन्स नहीं पढ़े तो आपको अपना उतना पता ही नहीं चलेगा कि आपका पार्ट आप कैसे डिफरेंट कर सकते हैं. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मेरे दिल के सबसे करीब वुड हैव टू बी लार्ज. लार्ज लार्ज इसमें जैनब का कैरेक्टर मैंने किया था, एक पंजाबी लड़की होती है और हम टीवी के लिए था और उसमें पंजाबी एक्सेंट पुल ऑफ करना और उस काफी जरा बोल के बताए ना, वो लोगों को पसंद बड़ी आई थी. जरा बोल के बताए पंजाबी में. इश्क में हासिल वसूल कुछ नहीं होता चौधरी साहब, सारी दुनिया भी पता नहीं समथिंग कर लेना तो आई डोंट नो इट्स लाइक बहुत पुराना डायलॉग मुझे याद नहीं, बट यू नो यू गेट द जिस्ट, इट वाज लाइक पंजाबी एक्सेंट दैट उस. तो मुझे मेरे डायरेक्टर से रोजाना डांट भी पड़ी होती थी कि सराई की बलोची सारे एक्सेंट आगे पंजाबी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. और आई थिंक इश्क नसीब में जो मेरा दुनिया का कैरेक्टर है वुड हैव टू बी माय फेवरेट. अच्छा इमरान आपके पास भी कैरेक्टर्स की एक लंबी लिस्ट है और वो तो मतलब आप देखिए उर्दू लगत चल रही है. अच्छा, तवील फहरिस्त. तवील फहरिस्त है. तवील फहरिस्त. हाँ, मकबूलियत की जो आपने मंजिलें तय की उसका मकसद जो था वो क्या था? आप शोहरत चाहते थे, दौलत चाहते थे? शोहरत तो आनी जानी चीज है, दौलत भी जानी जानी जानी, 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 जानी आजकल तो जा रही भी बहुत है. आजकल तो बहुत ही जानी है लेकिन है भी बड़ी जानी जानी जानी, जानी, जानी है. तो हाँ डेफिनेटली मुझे कोई शोहरत था कभी भी कुछ ऐसा नहीं था ये कि हाँ मैं और मुझे कभी ये भी नहीं पता था कि मैं इतना काम कर लूँगा. जब मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ, NCS से मैंने आर्किटेक्चर किया था. तो मैं जब पहली दफ़ा मुझे मॉडलिंग की ऑफर हुई थी तो मैंने बस ऐसे ही शौक में भी नहीं बल्कि मुझे किसी और के शौक में मैंने कर लिया था कि मेरे कुछ फोटोग्राफर्स ने कहा था कि करो. कोई फिर शौक्स तो नहीं लगे शौक्स जो मॉडलिंग छोड़ के एक्टिंग की तरफ ज्यादा आ गए. प्लेजेंट शौक्स. प्लेजेंट शौक्स. क्या नाम था प्लेजेंट शौक का? बहुत सारे. अच्छा, बहुत सारे नाम. ये है वो भी तवील फहरिस्त. वो तवील फहरिस्त है. बट मेरे दिल से जो सबसे ज्यादा करीब है वो जो जिसने मुझे लगता है कि आप यकीन करें कि इतना पॉपुलर मैंने पाकिस्तान में अपने मतलब होश संभालने के बाद किसी और कैरेक्टर को इतना पॉपुलर होते नहीं देखा. प्रॉब्ली वो मेरा उसमें हाथ नहीं था, शायद वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन खुदा और मोहब्बत एक मैंने सीरियल किया था और उसमें जो हमादा कैरेक्टर था वो मेरी इतनी बड़ी पहचान बना कि मैंने बॉलीवुड में भी काम कर लिया, मैंने वहाँ से भी 3 फिल्में कर ली सब कुछ, लेकिन मुझे जो हमाद के कैरेक्टर से जो रिकग्निशन मिली है दैट इज़ अनमैच्ड. मैं पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी कोने में चला जाऊँ और पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला प्रोजेक्ट है जिसको दोबारा बनाया गया उसी कास्ट के साथ बनाया गया 7 साल बाद. And it was again a hit. So वो आपको क्यों लगता है क्यों हुआ वैसा? Probably it was very close to people's heart. It was very relatable character first of all. It was very connected to spirituality, religion, and इतना वो layers और depth उसी character के अंदर थी कि हर कोई इससे connect कर सकता था. हर कोई मोहब्बत में नाकाम भी होता है, हर कोई टूट के जुड़ता भी है. और हर क्यों होता है वैसे नाकाम? हर कोई हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी level पे कुछ ना कुछ होता है. बहुत bad experiences छुपे हुए हैं. ऐसा comfort में आएंगे तो निकलेंगे. खूबसूरत लोग जो सबसे ज्यादा mean होते हैं ये वही वाली बात. ये तो पूरी फिल्म बनने वाली है. एक ज़ालिम हसीना ने खूबसूरत हसीना ने बर्बाद करके ये इस पर हम आते हैं कि ये क्या टिप्स टेक्निक्स जो इसकी जो है इस फहरे. हाँ, थोड़ा सा अच्छा लव गुरु बैठा है. आप फोन कीजिए और बताइए अगर आपको मसला है तो. यहाँ दो लोग बैठे हैं आपको बड़े फिर हम इसको इस कैरेक्टर से रिलेट कर लेंगे. आपको कहाँ पहुँचना है क्योंकि आपने अभी बिल्कुल आगाज किया है. अल्टीमेट गोल. मैं चाहती हूँ कि मैं ना मतलब मुझे लोग रिस्पेक्ट करें और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करूँ अपनी पर्सनैलिटी से और एक पॉजिटिविटी फैलाऊँ क्योंकि मुझे लगता है जो लोग जैसे जिन लोगों के पास इतना होल्ड होता है कि लोग उनके साथ उनकी बात सुनते हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ एक अच्छी इमेज पहुँचाएँ. तो महवेश आज जो है वो देखें कितना पॉजिटिव सोशल वर्क में भी आ गई हैं और तालीम के लिए भी आवाज़ उठा रही हैं. वो सारे पॉजिटिव काम इसी तरह क्योंकि उनकी मतलब वो बोलेंगी तो वो मैटर करेगा. वो अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ तक जो कॉमन लोग हैं वो नहीं पहुँचा सकते क्योंकि आर्टिस्ट की एक सर्टन फॉलोइंग तो होती है और वो दुनिया में फैली हुई होती है. अच्छा, आप क्योंकि आर्टिस्ट हैं हमारे साथ 3 अदद और बड़े मशहूर और अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मैं अभी मशवरे दूंगा तो हम यहाँ लोगों के लिए अनाउंस कर दें कि अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनको कोई पैगाम देना चाहते हैं, मशवरे ना लीजिएगा क्योंकि मतलब फिर वो जरा शर्मिंदा हो
होंगे शायद कहेंगे अब मैं यहाँ क्या टीवी पे बैठ के मशवरे दूँ या फिर लव गुरु बनूँ, लेकिन क्या बात है? लेकिन ये कि जो आप लोग कहना चाहते हैं इनसे, कोई इनका काम पसंद है, ड्रामे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछना चाहते हैं या लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। बिल्कुल, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अगर मैं आपसे ही पूछूँ कि सॉर्ट ऑफ मशवरा कह लें इसको, अच्छा आप लेके रहेंगे भाई, पता तो चले ना दुनिया वालों के लिए, आवाम लेना ले, ये आपसे मशवरा दुनिया वालों, और भाई बंदा आया हुआ है तो उसको जो है वो पॉजिटिवली जाया ना किया जाए, मतलब पैसे वसूल कर। जो सिचुएशन आपकी है इस ड्रामे में कि एक बहुत ही हाई मेंटेनेंस खातून के साथ आप कनेक्टेड हैं, उसको सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सुधारने का, हाई मेंटेनेंस खातून को सुधारने का कोई तरीका है या नहीं है? दुआ करें, दुआ ना करें या सब्र करें, आप उनकी तरह बिगड़ जाएं, वो नहीं सुधर सकती, मुश्किल होता है, कुछ हड्डियां बड़ी टेढ़ी होती हैं। ओए होए, ये आप इनकी हड्डी की बात ना करें, अवामी जो बात हो रही है। देखिए, जब साथ दो लोग रहते हैं तो फिर आपको अपनी सोच उन तक मुंतकिल करनी होती है, और मतलब फिर तो ये कॉम्प्रोमाइजेस और सैक्रिफाइसेस के साथ साथ आपको एक दूसरे के साथ शेयरिंग एंड केयरिंग का भी बिल्कुल सिलसिला चल पड़ता है ना। तो अगर वो आपकी सोच नहीं समझ पा रही तो बड़ा अफसोस है आपकी, आपके कन्वे करने के अंदाज पे या आपके आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ पे, तो आपको उस तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, और अगर हो सकता है वो भी सही कर रही हो तो वो अपनी बात कन्वे करे, लेकिन या तो आप उसके हो जाएं या वो आपकी हो जाए। तो खूबसूरत बात कर दी आपने, या वो आपके हो जाए या उसके हो जाए, या किसी एक जगह पर आके, बिल्कुल देखिए किसी को बदलना जो है ना वो तो फिर मोहब्बत नहीं है, मतलब आपको अगर उसकी बात वो उसका अंदाज है तो ठीक है चलने दें, क्योंकि मोहब्बत तो यही है ना कि आप उसको सारे उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ। लेकिन आजकल तो हम क्या करते हैं कि हमें एक शख्स पसंद है, अच्छा बाल बड़े खूबसूरत हैं, लंबे बाल हैं, तो मुझे लड़की बड़ी पसंद आ गई, लेकिन तुमने बदलना ये है, बोलो ऐसे, उठो ऐसे, बैठो ऐसे, आजकल तो वो भी एक दौर है, और लड़कियां सेम लड़कों के साथ करती हैं, ऐसा भी है, हो सकता है आप अच्छी बात कर रहे हो, अगर उसको बदलने के लिए, अगर आप उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए, हो सकता है वो हम में कोई खराबी हो, अगर वो कहे तो हम भी मानेंगे। ये मर्द इंप्रूव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आई थिंक मैं आई क्वाइट एग्री विद हिज पॉइंट कि लव हैज़ द पावर टू चेंज। अगर आप प्यार से कोई भी अपना पॉइंट अक्रॉस करते हैं तो बिल्कुल मर्द भी चेंज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खाना नहीं बनाना आता था, और मेरे बचपन से पूरे खानदान को यही इश्तियाक था कि ऐसा कभी होगा, वो दिन आएगा जब हम देखेंगे जर्नेश पका रहे हैं, जर्नेश खाना बना रहे होंगे, मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बता रहे हो नहीं बहुत अच्छा बनाती है वो, तो कहते अच्छा ये बना लेती है, अच्छा तो फिर ये भी कर लेती है, तो मेरे तुम खा भी लेते हो, बट यू नो थिंग्स चेंज, वो प्यार होता है, वो ये होता है, कभी कभी बाजू का प्रेशर भी नहीं होता, आउट ऑफ लव यू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन योर सेल्फ, तो आई थिंक इट्स हर बंदा केपेबल होता है, मोहब्बत फाते है आलम, ऐसे तो नहीं कहते, से नहीं कहते, प्यार हो तो प्यार से सब कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, तो आपकी अदाकारी के अलावा और क्या क्या आपके इंटरेस्ट हैं? तो अनगिनत सारे, तो इसी में पूरे टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा लगता है प्रोड्यूस करने में, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आप काम जो है तो काम बहुत क्रिएटिव काम है, बहुत मजेदार काम है, लेकिन काम के अलावा आई थिंक ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा शौक है मेरा, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और ये मेरा सबसे बड़ा पैशन है, कुछ हद तक शायद एक्टिंग से भी ज़्यादा, मतलब ट्रैवलिंग पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह सकती। एक बात मैं जनिश के बारे में ज़रूर कहूँगा, मैं पिछले कुछ सालों से मैंने टीवी देखने की आदत बिल्कुल मेरी ख़त्म हो गई, टीवी फिल्म्स दोनों मैं बहुत कम देखता हूँ, या देखता हूँ तो कुछ नेशनल ज्योग्राफिक टाइप इस तरह की चीज़ें, मैंने जर्निश का काम बहुत कम फॉलो किया था, इसलिए कि ये पिछले 3-4 सालों में माशाल्लाह इतना बड़ा नाम बनी है, तो मुझे नहीं पता था कि मैं जिस लड़की के साथ काम करने जा रहा हूँ इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, जब और इवन आप जब कर रहे होते हैं उस वक्त भी पता नहीं चलता, जब इसका काम स्क्रीन पर नजर आया मैंने कई दफ़ा इसको मैसेजेस किए, मैंने कहा कि जर्निश मैं तुम्हारा काम देख रहा हूँ और मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह ये इतना एफर्टलेस परफॉर्म करती है और इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। चलें अब आपने तो तारीफ कर दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग भी तारीफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कॉलर हैं लाला रुख साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो आप मॉर्निंग शो करते हैं आप दोनों मिलकर, और अच्छा और ये जो कास्ट बैठी हुई है जो तू चाहे की, तो ये ड्रामा बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और पता नहीं ये क्यों रुक गया था बीच में, लेकिन जो इमरान अब्बास और ये जो इन दो हैं फैमिलीज जो हैं, इनकी जो मदर्स हैं दोनों, वो इतनी शार्प दिखाई गई हैं, और उनका जो लहजा है लड़ने का, और ये बहुत ही अजीब सा है, बहुत ज्यादा ना बहुत, तो ये से तो मतलब इससे तो पेश नहीं करना चाहिए ना, जिस तरह ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, जैसे वो सब्जी खरीद रहे होते हैं, खरीद रही होती हैं, और वो इतनी बुरी तरह लड़ रही होती हैं, और एक दूसरे से वो बदकलामी कर रही होती है। अच्छा, मैं देना चाहूंगा लालरो जी, एक तो ये कि ऐसे किरदार हमारे मुआशरे में होते हैं,
और उनको दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप आखिर तक सीरियल को देखिए और फिर आप देखिए कि ऐसी औरतों के साथ या ऐसे लोगों के साथ क्या अंजाम होता है। इसमें बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं, अनफॉर्चुनेटली आपने उनको नोटिस नहीं किया जो कि मेरे वालिद हैं, इनके वालिद हैं, मैं हूँ। जिस तरह की खवातीन की वो बात करी, जहाँ पर इस तरह का कुछ हो जाता है वहाँ उनको बेचारों को सप्रेस करना पड़ता है, होना होता है, क्योंकि मर्दों में भी बड़ी सांसें मौजूद होती हैं, बड़ी बड़ी सांसें मौजूद। बाज़ूकात ऐसा देखने में मिलता है कि मर्द ज्यादा बड़ी सांस बनिस्बत सास के कुछ, लेकिन इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिविटी कहीं भी किसी में भी हो सकती है, मर्द औरत और हाँ, किसी वो कोई भी हो सकती है। अच्छा लाला रुख हमारे साथ है मौजूद, मर्द औरत और किसी और, उनसे एक सवाल करता, चले कोई बात नहीं। अच्छा तो बस वो बात यही है कि आप इसको आखिर तक देखिए और आपको अंदाजा होगा कि ये दिखाने का मकसद क्या है, कि ऐसे लोग जो होते हैं फिर उनका अंजाम क्या होता है और वो किस तरह जिंदगी में और लोगों को भी खराब करते हैं और उनकी अपनी जिंदगी इवेंचुअली भी सबसे बड़ी बात कैसे खराब होती है, कर्मा बड़ी कमी नहीं मतलब कर्मा। अच्छा जी, इकरा है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शिफा और अजवैस साहब, आप लोगों की तारीफ करनी थी कि बहुत जबरदस्त आप लोगों का शो होता है, रोज मैं देखती हूँ, और आप लोगों की जो ये ड्रेसिंग का जो होता है ना कॉम्बिनेशन, बहुत जबरदस्त होता है कि किसी की टाई मैच कर रही होती है। हैरान हो गई, टाई मुझे खुद निकाल के देती है, ये देखो कैसी है। जी मैंने नोटिस अभी किया, आपने कहा तो मैंने नोटिस किया। हाँ जी, नहीं मैं तो रोज फॉलो करती हूँ, देखती हूँ कि बहुत जबरदस्त आप लोग जो है ना वो कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं। थैंक यू इकरा, हमारे साथ हमारे अंदर ड्रेस डिजाइनर भी आ गया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी इमरान अब्बास से भी बात होने वाली है। इमरान अब्बास यकीन दिलाएं, यकीन दिलाएं। अच्छा अच्छा जी, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? सबसे पहले मैं कहूंगी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको। कब थी भाई? अभी परसों थी वैसे। आप तो अरे हैप्पी बर्थडे, दुनिया को याद है भाई, मेरी 16 अक्टूबर को बर्थडे थी। अच्छा अच्छा, माशा आपको अच्छा, भी आप एक दिन बढ़िया मिस छोटी। नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का ड्रामा, मैं फर्स्ट एपिसोड से देख रही हूँ, बल्कि सारे ड्रामे इमरान मैं आपके फॉलो करती हूँ, इंस्टा पे मैंने आपको फॉलो किया हुआ है। अभी भी आपने जब दिया कि लाइव में हम पे आ रहा हूँ हम न्यूज़ पे, तो मैंने फौरन लाइक किया सबसे पहले। और रजनीश आपके भी ड्रामे मैं शुरू से देख रही हूँ, मतलब सहरा में सफर था आई थिंक सो हम पे, और वो मैंने देखा था, और साथ सारे ड्रामे फॉलो करती हूँ। और अरीशा को भी मैंने एक दो ड्रामों में देखा है, तजदीद वफा में बहुत अच्छा करेक्टर था, उसमें भी नेगेटिव ही थी आप। अब अगला ड्रामा मेरा ख्याल है इनको आप पॉजिटिव रोल दिलवाते हैं, मतलब उनकी असल पर्सनालिटी भी लोगों के सामने आए कि है। अलीजे का वेट था कि वो भी आती, क्योंकि पता था कि शायद वो भी आ रही है, लेकिन हम उनको मिस कर रहे हैं। तो ये है कि आप लोगों को बहुत मैसेज चला गया, और जो इतना मजा आ रहा है कि हमें इतना, मतलब मैं खुद इस्लामाबाद पिंडी से ताल्लुक रखती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि पहला ऐसा ड्रामा हमने अपनी लाइफ में देखा है जो पिंडी में शूट हुआ। वाह वाह, ये तो पिंडी के लिए बड़े एजाज की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने, मतलब मेरी मामा वगैरह बताती है कि उन्होंने उस टाइम पे ड्रामे देखे थे जब बंधन आया था, इस्लामाबाद में शूट हुआ था, तो अब हमारे लिए इतने फखर की बात है, हम कहते हैं ओहो ये तो एरिया वही है जहाँ से। और ये जो जर्नीश का और इमरान अब्बास का छत पे सीन था कि मेट्रो बस गुजर रही थी, तो इतना जबरदस्त देखा हुआ है, इमरान को बहुत फॉलो करती है, बस आपने प्रूव कर दिया है। बिल्कुल हाँ जी, आप ऐसा करें इन्हें खून से खत लिखें मुर्गी के, फिर देखें। हाँ जी बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और क्या नाम है, आप लोग अच्छे अच्छे और प्रोजेक्ट्स जो है हम लोगों के लिए लेकर आए, बहुत शुक्रिया। अच्छा सीरियल को एक करने की ये वजह भी थी मेरी कि ये पिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से, तो ये एक फील ही अजीब होती है कि आप घर वापस घर आ देंगे, मैं तो सारा कराची में काम करता हूँ, मेरे घर इस्लामाबाद में, तो वापस पीसी में होटल में वापस आना वो बड़े तकलीफ दे होता है कि सेम कमरा एक ही कमरा। आपको पता है इमरान कराची में तो पीसी। बिल्कुल, ये अब तो मुंह से निकल गया, ब्रांडिंग नहीं करनी थी मैंने, लेकिन ये कि ये होता है, लेकिन घर वापस आने का मजा ही कुछ और होता है, अपने कपड़े, अपनी अपना कमरा, अपने माँ बाप के, अपने घर का, अपने माँ बाप, अपने माँ बाप, दूसरों के माँ, दूसरों के माँ बाप में, इनके सरों में क्या जिक्र छेड़ दिया भाई, ऐसी बातें मत किया करो, ये अपने कमरे में जाकर अकेले, ये मामला बड़ा खतरनाक होता है, आपको शायद अंदाजा नहीं है, जो हमारा शो फॉलो करते हैं उन्हें बड़ा अंदाजा है कि ये कितना बड़ा दुख है। के लिए तो बहुत बड़ा दुख है भैया, ये बड़ा दुख, और ये दुख मैं फिलहाल नहीं समझ सकती। बिल्कुल समझना भी नहीं, ये बड़ा गहरा दुख। अच्छा जी, अब वो जो एक मुहावरा है ना, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, हर कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ होता है?
मेरा ख्याल है इट गोज बोथ वेज, उनके पीछे उनके पीछे भी एक औरत और हो सकती है, एक और औरत भी हो सकती है औरत के पीछे नहीं, मां मां बताएं किसका हाथ, मां बहने नहीं, आई थिंक इट कैन गो बोथ वेज, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे मेरे मामा बाबा और मेरे हस्बैंड का, मेजरली मेजरली, मतलब वो मेरे बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं, एंड माय फादर इज द मैन. बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जिंदगी में इससे आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती कि अगर आपको आपके हस्बैंड में आपके बाप जैसा इंसान मिल जाए, विच इज एग्जैक्टली द केस. रेयरली होता है लेकिन बहुत रेयरली, बहुत कम होता है. आई थिंक बाप की उम्र का ये ऐसे ऐसे रंग लेकर आता है कॉन्वर्सेशन के बीच में कि बंदा प्यारा भी इतना है ना कि इंसान को बदला भी नहीं ले सकता. थोड़ा सा ऐसे ये बंदा कहते हैं, यू लाइक यार जाने दो, कोई बात नहीं. आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ और किसका क्रेडिट है? मेरी कामयाबी के पीछे हाथ है. हाँ बिल्कुल हाथ है. डेफिनेटली माँ बाप की दुआएं तो हैं, वो तो कोई इनकार नहीं है. मेरे मम्मी मेरे पापा की, मेरी बहन ने मुझे बहुत सिखाया. जो सबसे बड़ी मेरी बहन है उनसे मैं बहुत अटैच्ड हूँ. और वो अभी देख भी रही हूँ, अमरीका से आई भी हैं, वो देख रही होंगी. अस्सलाम वालेकुम मतिया जी. तो उनका बहुत डेफिनेटली बहुत कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माय. ठीक है, आपसे भी हम पूछेंगे. हाँ आपसे भी पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर है साहिवाल से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक ठाक. हानिया बताइए. जी मुझे जर्निश से बात करनी थी. जी करें बिल्कुल, जर्निश आपके सामने. अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. गुस्से में तो नहीं है आप हानिया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. नाश्ता वाश्ता करके बैठी है ना टीवी के आगे? जी नाश्ता करके फ्री होके बैठी. सिर्फ जर्निश से ही क्यों बात करनी है, बाकी भी तो है हमारे बेचारे. लड़ाई है क्या? नहीं नहीं बाकियों से भी बात करनी है. अच्छा, पूछे क्या सवाल पूछेंगी आप? जी मुझे इनकी तारीफ करनी थी. करें करें तारीफ. खुलेआम कीजिए. आप बहुत प्यारी लगती हैं. वाह, ये थोड़ा पॉज था ना, ये जज्बा था एक. नहीं प्लीज टाइम करनी, मजाक कर रहा. बहुत बहुत प्यारे लोग होते हैं आप लोग, जो कुछ भी हम लोग हैं. इजारे मोहब्बत की तारीफ. ये इजारे मोहब्बत, ये आप लोग के प्यार की वजह से. एंड वी कांट अप्रिशिएट इनफ. और कोई आर्टिस्ट बगैर तारीफ के वैसे चल भी नहीं सकता. जो लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको ठीक है, क्रिटिकल भी होना जाहिर है उनका काम में, आप बिल्कुल खामी कमी बेशी जो है उनको बताएं. लेकिन जब आप अच्छी बात उनसे करें, तारीफ करें, तो बहुत जो है उनको एक बूस्ट मिलता है. अच्छा जी, अब आप जरा इमरान साहब की तारीफ कीजिए. अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे. लो जी कॉल आउट. बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना था. उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगी बाकियों से, लेकिन आपसे वो इजहार करके बस ये उनका मकसद था ना, मकसद उनका यही था. आप बताएं आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे बहुत लोग हैं. सोफे के पीछे कौन है? सोफे के पीछे कौन है? सोफे के पीछे कौन है? अच्छा मेरी कामयाबी, खैर इट्स अ लॉन्ग वे, लेकिन खैर आवाज के पीछे. अच्छा ठीक है, मेरी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने पूरी फैमिली को किस तरह से किया, क्योंकि हम लोगों की फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी पीछे भी, लेकिन मेरी जो अपनी फैमिली है, जो मतलब मेरी अम्मी अबू हैं भाई हैं, वो लोग मेरे साथ हर कदम पर खड़े होते हैं. उन्होंने सबके अगेंस्ट स्टैंड लिया और मेरे साथ वो खड़े हुए. उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ आती हैं सेट पे, मुझे हर जगह मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हैं और मेरे डिसीजंस पे मतलब वो कहती हैं कि ठीक है, व्हाटएवर यू डूइंग इज ओके. उनको इतना मेरे सारे भाई भी और मेरे फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड एवन जो है अमेरिका में होती है, वो उसने मुझे मतलब उसी ने मुझे कहा था कि तुम अगर तुम्हें है शौक तो कुछ करो ना, तुम क्यों उस तरह कर रही हो. फिर मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया और फिर मेरे सारे फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के जितने भी दोस्त हैं, किस्सा शेरी वीडी आरी सब देख रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ इतना किया. हर जगह मेरे साथ जाते थे. जब मैं फर्स्ट टाइम मगरूर तो नहीं हो गई अब? ना जी ना दी, तो ना जी ना, हम कहां मगरूर हो सकते हैं. मगरूर होना भी वो इतनी प्यारी है, वो मगरूर नहीं हो सकती वैसे. वाकई चक्कर में लोग हो जाते हैं मगरूर. दोस्तों का किया धरा है, बताइए कहां है. अच्छा हमारे साथ कॉलर है आयशा है रावलपिंडी से. अस्सलाम वालेकुम आयशा. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक. इतना जबरदस्त आपने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम चार्ज हो गए हम. गुड, बहुत मजा आता है मुझे. मैं डेली आपके शो को फॉलो कर रही हूँ. थैंक यू. और आपकी ड्रेसिंग आप दोनों की जबरदस्त भाई, वे ऑफ टॉकिंग आप दोनों का,
मैं अपना पूरा ब्रेकफास्ट आप दोनों को देख के एंजॉय करती हूँ। बड़ा दो घंटे का ब्रेकफास्ट होता है, ठंडा हो जाता होगा, पहले खा लिया करें। बस यही समझ लें। गुड गुड, बल्कि मेरे भाई आपके साहब आप सुन रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं, महबूब तनखा वनखा बढ़ाया, अब बस बहुत हो गई ड्रेसिंग पर लोग बात कर रहे हैं। भाई आए थे आपके शो में फरहान महबूब, अच्छा हाँ, तो मैंने उनके थ्रू भी आपके लिए मैसेज कन्वे किया था, पता नहीं उन्होंने आपको दिया या नहीं दिया, लेकिन आज तो खैर जो आपने कास्ट बुलाई हुई है जबरदस्त भाई, बहुत अरसे के बाद मैं इस ड्रामे को इसलिए बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि हमारी जो मिडिल क्लास है उनके बहुत करीब दिखाया गया ये ड्रामा, बहुत नेचुरल है, और तमाम जो कास्ट बैठी हुई है जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। इमरान अब्बास बहुत जबरदस्त आप काम करते हो मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और जो न्यू कास्ट बैठी हुई है जर्निश भी और अरीज भी, वेल डन, कीप इट अप, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। और एक छोटा सा मैसेज, जो ड्रामे का जो मेन रोल है दुआ, उनका रियल नेम क्या है अब मुझे कुछ भी नहीं पता, सही क्या, उनके लिए कि प्लीज थोड़ा उनको मतलब उनका मेकअप थोड़ा कम ना करवा दिया जाए, वो जिस क्लास को शो कर रही हैं उस हिसाब से वो बहुत उनका मेकअप और उनके स्टाइल जो होता है वो इस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, नहीं है जितना लगता है, वो लगता है स्क्रीन पे ज्यादा है, वो खुद माशाल्लाह वो इतनी प्यारी है, शी इज वेरी यंग एंड वेरी माशाल्लाह ब्यूटीफुल गर्ल। आपके अंदर भी एक डायरेक्टर छुपा हुआ है वैसे, हां क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रही है वो, गुड गुड गुड, बिल्कुल ठीक है, आपका पैगाम पहुंच गया और उसकी बता भी दिया कि वो बड़ी वैसे नेचुरली खूबसूरत है, वो कम मेकअप करती है, कम मेकअप करती है और बस लोगों की शक्ल मेकअप दिखाती ज्यादा है, हां ये हां, वो हल्का सा कुछ पेट्रोलियम जेली भी अपने लिप्स पे लगा लें तो लगता है कि जैसे हां, तो उसका ये वाला मसला है, अदरवाइज वो बहुत कम करती है, अक्सर लोगों ने ये कहा है और उसका मैं आपको अलीजा के बिहाफ में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स डेफिनेटली और जो प्रोड्यूसर हैं जो ड्रामे की टीम है वो बहुत सेंसिबल लोग हैं और वो उनको आइडिया है कि कैरेक्टर में क्या रिक्वायर्ड था क्या नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मुसलसल देवर कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग, एवरी निक एंड कॉर्नर, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन सब कुछ होना चाहिए। तो अलीजा के मेकअप पे सबको वो ये था कि मेकअप बहुत, मुझे भी ये लगता था ये ज्यादा कर रही है, लेकिन जब मैंने करीब से उसको देखा तो ऑफ स्क्रीन फील हुआ कि उन पे नजर ज्यादा आ रहा है, वो स्क्रीन पे नजर ज्यादा आता है, इतना वो है नहीं। नहीं, और फिर वो जो इलियास कश्मीरी साहब, उनका काम ऐसा है कि वो वाकई जिस तरीके से जितनी मेहनत से वो काम कर रहे हो, कुछ चीजें अवैस स्क्रीन पे जब आप दिखाते हैं तो ये मैं आप लोगों को अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि कुछ चीज़ें उनकी सैचुरेशन ऐड कर दी जाती है, कुछ पोस्ट पे काम होता है तो उससे कलर एनहांस हो जाते हैं। हम लोग लड़कों के बाद लगता है कि इतनी लिपस्टिक लगी हुई है, मेरे पास मेरे ऊपर तो बड़ी एतराज़ होता है कि इमरान अब्बास भी बड़ा मेकअप करते हैं, लेकिन होता ये कि वो जब कलर सैचुरेशन ऐड होती है तो उसमें कलर बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, तो वो इतना होता नहीं। और आजकल तो वैसे ही एचडी का दौर है, एचडी का बिल्कुल, उसमें तो एक एक चीज आपको, अच्छा एचडी का दौर छोड़ते हैं हम, जरा एक्टिंग के दौर को शुरू करते हैं। आप तीनों का कोई ऐसा सीन जो कि आप तीनों उसमें एक साथ हो? अच्छा, मेरे ख्याल हम तीनों कम ही हैं, इकट्ठे नहीं है, कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिसमें कमरे के अंदर हम हैं, बाहर जाके वो हैं या कमरे अच्छा, के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं तीनों के इंटरेक्शन एक साथ नहीं, अभी तक नहीं हुआ ना, ये वेरी गुड क्वेश्चन दो, हाँ ये हमने खुद अभी रियलाइज किया, तीन बड़े स्टार्स ने स्क्रीन पे शेयर नहीं की, क्या हम करवा देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, हम करवा देते हैं, बिल्कुल हम करवा देते हैं। अब सिचुएशन ये है कि आप नहीं, दोनों नहीं यार ये नहीं करना, वो पता तो चले, वो नहीं होता, वो एक सर्टेन एक फ्रेम ऑफ माइंड तो होता है, आप ना जाए ना इतने, हम एक नई सिचुएशन दे रहे हैं, आपको ऑस्कर देने लगे हैं आपके, हमारी सूची में ऑस्कर वाली एक्टिंग ना करें आप इधर, बस आप कर दें थोड़ी सी, ये तो देखें, चलो मैं जज बन जाता हूं इन दोनों का जज बीच में है ना, ये क्या मैंने अपनी बुजुर्गी का फायदा उठाते हो, ऐसी भी बुजुर्गी नहीं है, क्या मतलब मैं जो सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि आप दोनों बैठे हुए हैं और आप दोनों जो है वो गुफ्तगु कर रहे हैं और मोहब्बत है आप दोनों में, वो हाई मेंटेनेंस खातून है, आप उन्हें समझा रहे हैं कि देखें प्लीज कुछ मेरा ख्याल करो, खुदा का वास्ता है कुछ ख्याल करो, स्कूटर बेच के मैं तुम्हारे लिए झुमके लेकर आया हूँ, ये मामला समझ नहीं रही हो तुम हाँ। और तुमने अब नई फरमाइश कर दी है और उधर ये भी मौजूद है, वो सुन रही है और सुन रही है और उसके बाद उन्होंने हाँ कि भाई ने गलत काम किया है, बिल्कुल भाई तो गया, अब वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है, भाई तुम सुधर जाओ, ये नहीं सुधरेगी, ठीक है जी, एक मिनट, 3-2-1 एक्शन, भाई को बिगड़ने तो दो पहले, हाँ मुकाओ ना, पहले ही मुकाओ, वो पहले ही मुकाने के चक्कर में, अच्छा हम फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है आपस में, ये अच्छा फोन पे बात, हमारी ज्यादा फोन पे वैसे बात, सही है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यहाँ पर, चलो लाइट्स कैमरा एक्शन, हेलो हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रही बिस्मा, मैं कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, वो मैं और अमा शॉपिंग करके लेकर आए थे तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ माय स्टफ, क्यों कोई काम था, शॉपिंग के लिए आई थी, अब बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाने आई थी, ये क्या बोलूं मैं इसके आगे, तीन इतने एपिक जवाब आए हैं लेकिन लेट्स मूव ऑन,
तुम्हारी पिछली शॉपिंग के लिए भी मुझे अपना गुर्दा बेचना पड़ा था, गुर्दा बेचना पड़ा, अपना फोन बेचना पड़ा था, तो खुदा का वास्ता बड़ी मुश्किल से मैंने अब एक टच स्क्रीन फोन लिया है, उसको ना बेचना पड़ जाए। तो अपने लिए ले लिया, मेरे लिए नहीं लिया? गुड गुड एंट्री, इनकी एंट्री। मैं तुमसे बात कर, जी सर हेलो, मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं। सुनिया मैंने, हाशिर भाई क्या हो रहा था? विस्मा से बात कर रहे थे आप? विस्मा आप ही से? आपको पता नहीं है हमारे खानदान में कितनी रंजिशें हैं और मेरी शादी भी हो चुकी है। रंजिशें एक के बाद एक लफ्ज आ, बेटा हमारा जो है ना लुगत पढ़ती से आया खोल के, क्या है वो, कौन सी है, फिरोजुल लुगत, फिरोजुल लुगत, लुगत लुगत बिन लुगत, लुगत लुगत जी। अब देखो बेटा मैं बस हमने समझ लिया कि आप कितना समझाएंगे, ठीक है जी, ठीक है, जबरदस्त, बेहतरीन, वैसे गुड जी, जबरदस्त एक्टिंग, मतलब आप लोगों ने एक माहौल तो बना दिया है, पता चल गया है लोगों को कि इस ड्रामे के अंदर क्या केमिस्ट्री होगी और क्या इसके अंदर फिजिक्स होगी। लेकिन अगर आप लोगों को एक और सिचुएशन दी जाए और जिसमें आपको हम जरा ज्यादा अदाकारी का मुजाहरा करने दें। जी जी कहिए, धरना होने जा रहा है। अच्छा, किसका? फजल रहमान साहब का भाई, धरना होने जा रहा है बस, ठीक है बस जनरली। और आप एक बहुत बड़ी लीडर हैं जो धरना करने जा रही हैं। ओके, कंटेनर पे ही होंगी, रेडी, माहौल बना रहा हूँ, ठीक है, कंटेनर पे आप, कंटेनर पे आप हैं, ठीक है, ठीक है। और ये वो हैं जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है, कंटेनर तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत जिद्दोजहद जो आपकी थी उसमें साथ दिया है इन्होंने। स्पॉट बॉयज होते हैं उस सेंस में, नहीं, 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 फाइनेंसर हैं, बड़े पैसे वैसे इन्होंने लगाए हुए हैं, उन्हें लगता है कि आप बस छा जाएंगी पॉलिटिक्स में। और ये आवाम है जो धरने में आई हुई है और आपने तकरीर करनी है धरने की, आपने इनको सपोर्ट करना है और आपने तकरीर के बीच में जो फैन मोमेंट्स होते हैं ना वो देने हैं, वो देने हैं इनको, और आपने वादे करने हैं आवाम से कि बस मैं आ गया, तुम्हारा मसीहा मैं ही हूं, अब मैं आ गया तो मैं जाऊंगा नहीं, जाऊंगी नहीं, ठीक है, हो जाए जी, लाइट्स कैमरा एक्शन, मैं जा रही हूं। दोबारा लाइट्स कैमरा एक्शन, मैं जाऊं, जाए जाए भाई, बड़ी बहुत प्यारी लग रही है, जाए जाए, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पाकिस्तानियों मैं आ गई, वाह वाह वाह, अच्छा ठीक है, अब पता क्या है आप लोगों को, मुझे मत मैं जानती हूँ आपके सारे मसाइल, उनका हल जो है ना मेरे पास है, पानी नहीं है मुझसे बात कीजिए, मुझे वोट दीजिए, मैं आपके घर में पानी लेकर आऊंगी, मैं बिजली लेकर आऊंगी, मैं आपके सारे मसले हल करूंगी, आप मुझ पर एक दफा रिलाय होकर तो देखिए। लेकिन आपने ये वादा अपने पिछले धरने में भी किया था, हम नहीं कुछ चुप कर, हम पहले भी आप ही के भरोसे पे आए थे, ना हमें बिजली मिली, ना हमें पानी मिला, ना हमें किसी क्या चीज प्रॉमिस किया, अपने गैस, ना गैस मिली, नौकरियां, नौकरियां, एक करोड़ नौकरियां, पिछली हुकूमत में डाल दे, पिछली हुकूमत ने इतने ज्यादा कर्जे लिए हुए थे हमसे, उन्होंने तो कर्जे लिए, तौबा तौबा, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, घबराना नहीं, घबराना नहीं है, मैं आ गई हूँ, आप देखिएगा इस दफा मुझे पिछली हुकूमतों में वैसे कौन सा आपको प्यारा लगता था? पिछली हुकूमत आए ना, जरा आप स्टेटमेंट देके आए ना, कौन सी पिछली हुकूमत ऐसी है जिसमें आपने कहा कि ये प्यारे थे लोग सारे और उस चक्कर में तबाही हो गई? बहुत पॉलिटिकल शो हो जाएगा, तबाही हुई या नहीं हुई, बट आई थिंक बेनजीर वाज अ वेरी बेनजीर का जो गौरा था और वेरी डिसेंट एंड वेरी प्रेजेंटेबल, बड़ा उनको हमें खुशी होती थी कि वो हमें जब रिप्रेजेंट करती थी उनका इतनी वेल स्पोकन और इतनी ज्यादा, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि तबाही हुई या बर्बादी हुई, एक बहुत लंबी डिबेट है और उसमें मैं कहीं और निकल जाऊंगा, लेकिन हाँ बेनजीर और इमरान खान भी आई थिंक हमारे एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जब वो निकलते हैं तो हमें फख्र होता है। दोबारा
नाम लीजिएगा इमरान खान का, जो देखें जेस्चर दोबारा कहिए यार। नहीं मैं तो नहीं, आप कहें ऐसे थोड़ी, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं इमेंसली आई लव हिम, लाइक ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है। जेस्चर जो था वो क्रिकेटर के टाइम से बात चलती हुई आ रही है, जब मुझे पता भी नहीं था क्रिकेट है क्या, तब मुझे पता था इमरान खान कौन है। कुछ ऐसे इशारे होते हैं, जेस्चर्स होते हैं जो बस हो जाते हैं। राइट है, राइट है, राइट है, मैसेज वहीं से निकल जाता है। मैं आपको सही बताऊं, मैं जब हिंदुस्तान में काम कर रहा था, तो उस वक्त मुझे जो भी एक्टर मिलता था, सब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और सब पॉलिटिक्स पीटीआई तो शायद बन गई थी, लेकिन जो फैन फॉलोइंग मैंने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस में इमरान खान की देखी है, इट वाज अनबिलीवेबल। अच्छा, फैन फॉलोइंग इज वन थिंग, पीपल रिस्पेक्ट हिम, या दिल से इज्जत करते हैं उनकी। मतलब मैंने जहां पता है, मैंने तो खैर पिछली दफा वोट डाला था और इस दफा भी, लेकिन इस पूरी इस कैंपेन के अंदर मेरे ख्याल इमरान खान की पर्सनालिटी प्लेड अ वेरी वेरी पिवोटल रोल। उनकी लफ्ज़ों के अंदर इतनी ऑथेंटिसिटी थी, उनके बोलने के अंदर एक अंदाज ऐसा था कि लोगों ने बहुत यकीन किया उनके ऊपर। तो अब यही हमारी इल्तिजा है कि हमने जिस यकीन और एतमाद के साथ इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, बस इसको उसका भरम रखें, और हमारे जो दिल हैं वो बड़े नाजुक और बहुत टूटे हुए हैं ऑलरेडी पिछली दफ़ा से, दरारें पड़ी हुई हैं। तो अब और कोई पॉलिटिकल हमारे हम लोगों के बीच पीछे कोई पॉलिटिकल एक ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि इसकी मुखालफत करनी है इसकी, हाथ हम तो एक लीडरशिप की तलाश में हैं और थे, और एक ऑनेस्ट लीडरशिप को देख के हमने वोट दिया है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है खान साहब कि हमारे इज्जत, हमारे जो है वो उसका भरम रख लीजिएगा, हमारे एतमाद का और हमारे जो ट्रस्ट का भरम रखिए, और होपफुली इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। बट वी आर वेरी वेरी आपको क्या क्वालिटी उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे ज़्यादा मुझे जिस बात से मेरा दिल खुश हो जाता है, हमारी हिस्ट्री के वो पहले ऐसे लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, जो जब स्पीच देखते हैं तो उनको पर्ची नहीं देखनी पड़ती। इट्स हार्ट, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये बात मुझे इतनी इंस्पायर करती है, वो दिल से बोलते हैं जो बोलते हैं। जब दिल में दर्द होता है अपनी कौम के लिए, तो आपको बातें याद रहती हैं कि किन किन चीजों को, किन किन पॉइंट्स को एड्रेस करना है आपने, आपको पर्ची की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज वन थिंग आई immensely excellent love about him. बिल्कुल। Excellent. और आपको अगर एक क्वालिटी चुननी हो खान साहब की, एक क्वालिटी चुननी हो तो बिल्कुल टॉप पर है खिताबत कम्युनिकेशन और एक चीज जो मुझे जिससे मैं डिसएग्री शायद थोड़ा सा करूं कि और डिसएग्री और प्रोबब्ली आई वुड एडवाइस इन माय कैपेसिटी कि प्लीज टीम अप विद द गुड पीपल, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्ली बहुत पैशनेट हैं, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ही इज़ वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत जील उनके अंदर एक वो है, पैशन है, बट आई थिंक द पीपल जो अराउंड हिम आई थिंक वो वहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो उसमें बहुत फ़र्क भी है, मतलब एक खान साहब का एक लेवल अलग है, वो जिस पैशन के साथ कर रहे होते हैं वो शायद टीम अभी तक मैच नहीं कर पाई उनके कैलिबर के साथ, टीम के लिए बहुत मुश्किल भी है। आपने वोट दिया था? जी मैंने वोट दिया था। जी कार्ड है जी, अपना ही वोट है जी जी बिल्कुल, अपना ही शनाख्ती कार्ड है, एक ही वोट दिया था। रियली? क्यों बता दिया, अभी चला लेती ना, 6-7 साल के बाद ये रिकॉर्ड में रह गया। एक ही वोट दिया, मैंने भी एक वोट, ये नहीं काट सकते, अब कट नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कट सकता, ये तय हो गया। तो एक ही वोट दिया था जी, एक दफा फर्स्ट टाइम वोट दिया। कौमी और सूबाई असेंबली के दो नहीं दिए थे? दो दिए थे, दो मोहरे लगाई थी। हाँ, लेकिन मतलब एक दफा गई थी ना। अच्छा, एक ही दफा गई थी। ओके, सही। तो मैंने इमरान खान को दिया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि ना मुझे उनकी बातें बहुत रिलेट कर सकती हूँ, मतलब वो बहुत लगता है जैसे वो ट्रस्टवर्दी हैं। उनकी बातें ऐसी होती हैं कि आप सुन के कहते हो ये कितना सच्ची बातें कर रहे हैं, कितना रिलेट कर रहे हैं, मतलब कितना हमें समझ रहे हैं जो हम परेशानी है। और जिन्होंने पहले आने से पहले जो वादे किए थे, मतलब वो ऐसे थे जो वाकई में लग रहा था कि यार अब इस तरह की किसी बंदे की ज़रूरत है जो इन पर काम करे, जो इन चीज़ों को समझे, जो एक आम बंदे की मुश्किलात को समझने की कोशिश करें। वाह 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 वाह। इस तकरीर में कोई बहुत भारी भरकम उर्दू लुगत का लफ्ज नहीं आया, लेकिन अच्छी थी उर्दू में थी, अच्छा अच्छी उर्दू, अच्छी बात है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से अपनी गुफ्तगू का ये जो है सिलसिला जारी रखा हुआ है प्रोग्राम के आगाज से, मैं तो आपका कायल होता हूँ। और कायल भी नहीं, कायल, क्योंकि वो शुरू हुई थी बात मकासिद से, और हम शातिर हुए। लेकिन उर्दू का इस्तेमाल बड़ा कम हो गया, इसका बड़ा अफसोस होता है, और खास तौर पे काफ और काफ की तमीज और ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है। मुझे याद है कि जो एक्टर्स होते हैं
کیونکہ ظاہر ہے اسکرپٹ ہے, آپ نے اردو آڈینس کو انگیج کرنا ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی زبان ہو, ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے زرنش؟ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ قائل رومن میں, رومن میں آتا ہے اسکرپٹ آپ کے پاس؟ نہیں نہیں, یہ بہت اچھی بچی ہے, یہ بہت اردو والی ہے اب جی. یا اور جو نئے آتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے اور ان کی انگریزی والا میڈیا میں کچھ؟ اچھا ویسے میں بالکل جج نہیں کرتی, بس ایک چھوٹا سا میرا ماننا یہ ہے کہ چونکہ اردو ہماری پہلی زبان ہے تو اس کی ایک صرف کہنے کی حد تک رسپیکٹ نہیں ہوتی, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو دل سے پڑھیں اور سمجھیں. بالکل. میرے خود کی اردو میں مسئلہ تھا, لیکن میری اردو میں یہ صرف مسئلہ پرننسیشن کا مسئلہ تھا. شروع شروع میں جب میں نے اپنا پہلا ڈراما کیا تو شیخ کہتے تھے شیخ, ہمارے ایک ڈائریکٹر ہیں شکیل خان, تو وہ کہتے ہیں اگر اردو انسان ہوتی نا تو تمہیں مارتی, کیونکہ وہ آئی تھنک میری بھی غلطی نہیں ہے, وہ اسلام آباد میں رہنے کی غلطی ہے, کیونکہ وہ کیا کر رہی ہو جاتا ہے پھر ایک دم سے کیا کر رہی ہو. تو وہ اس پہ تھوڑا تلفظ پہ مجھے اپنا فوکس کرنا پڑا تھا, لیکن میری اردو خراب کبھی نہیں تھی کہ مجھے پڑھنی نہیں آتی, مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ بھی عوام ہوتی ہے نا ہمارے یہاں جو کہتی ہے بھول گئے لکھنا. نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیں اردو ہماری مدر لینگویج ہے. آپ کے پاس بھی اسکرپٹ جو ہے وہ اردو میں آتا ہے؟ بڑا پکا اردو, یہ تو پرو ہے. میں اردو, میں اردو, میں تو اردو مطلب میں تو مشاعروں والا. ہاں ارے واہ, کوئی ایک آدھا شعر اگر آپ شعر سنا دیں پھر مجھے لگتا ہے یہاں سے نکلے گا بہت زیادہ شعر ہو جائے پورا ہو جائے, بلکہ آدھا کیوں. اچھا ارشاد ارشاد, آپ 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 جب تک ذرا سے لے آئے اپنے ذہن میں اریج سنگ. نہیں نہیں آ گیا جی, آ گیا آ گیا, بچ گیا. سنگ دل تھا وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا. واہ واہ واہ. سنگ دل تھا وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا, جب کہ خود پتھر کو بت, بت کو خدا میں نے کیا. واہ واہ واہ. کتنے نامعلوم لفظوں کی کہانی تھا وہ شخص, اس کو کتنی مشکلوں سے ترجمہ میں نے کیا. کیا بات, وہ میری پہلی محبت, وہ میری پہلی شکست, پھر تو پیمانے وفا 100 مرتبہ میں نے. پہلی محبت, پہلی شکست. واہ واہ, کیا بات, ڈیزرز ان اپلاؤڈ. بہترین, بہت اعلی, بہت اعلی. فراز صاحب, فراز صاحب, پھر فراز صاحب. ہاں, میرا اور عمران کا تو ہمارا سیٹ پہ نا ہمارے اندر ایک بہت بڑا ایک میوزیکل کیڑا ہے نا, تو وہ وہ گانے جو دنیا میں کسی نے نہیں سنے ہوئے ہوں گے, ہم اس پہ پرفارم بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم اسے پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم نے کچھ زرنیش سے میری پہلی ملاقات, سوری میں آپ کے پاس جانے سے پہلے, جب میں پہلی دفعہ, یاد ہے وہ سردیوں میں شروع, اچھا ڈرامہ بہت عرصے سے شوٹ ہو رہا ہے, سردیوں میں شروع ہوا تھا, مجھے لگتا ہے سردیوں میں ہی ختم ہو گیا. تو پہلی دفعہ میں اسے ملا تو ایک میرے خیال میں لائک 10 منٹس میں کنیکٹ ہو گئے تھے. ہاں, لائک ود ان 10. اور میرا یہی ہوتا ہے, مجھے جن سے میری بنتی ہے ان سے مجھے یوں بن جاتی ہے, اور اس بعد نہیں بنتی تو پورا پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے مطلب آئی ہیڈ ا ونڈرفل ٹائم ورکنگ ود ہر, اینڈ آئی ایم ویری لائک آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو انادر گڈ فرینڈ ان مائی لائف ان کی شکل میں. گریٹ گریٹ گریٹ, کیا بات. یہ تو اب یہ پرفارمنس ہم دیکھیں گے کون سا گانا تھا. بس یار بس آج تو آپ نے پورا منس وہ بنا دیا. اردو میں اسکرپٹ یا رومن میں؟ اردو میں, مکمل اردو میں. صحیح طریقے سے جیتی رہو, شاباش. بس مجھے تھوڑا پروننسیشن کا ایشو ہوتا ہے کبھی کبھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کیا ہوا تھا, ہم لوگ ایک اور جگہ شوٹ کر رہے تھے, تو وہاں پر نا الیاس سری تھے لیکن آپ لوگ نہیں تھے, میں تھی. تو میرا ایک سین ہو رہا تھا اکیلے کے لیے, مطلب وہ میری شادی, وہ شادی کے دوسرے والے سین تھا نا, تو اس وقت صرف میں تھی اور ارمان تھے, تو اور الیاس سر تھے, تو ہم لوگوں نے سین کرنا تھا, اور وہ نا ایک ورڈ تھا وہ میں اٹک ہی گئی تھی قسم سے. یہ جو ایکٹنگ آتی ہے نا کسی کا, وہ ایک ورڈ تھا اور میں اٹک گئی تھی قسم سے. کون سا تھا وہ ورڈ؟ وہ کتنا مشکل نہیں تھا, وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ طرح کچھ جیسے اس طرح سے کیا, تو وہ میں تھوڑا سا نا وہ اس طرح سے تھا کہ میں بہت زیادہ اگریسولی بات کری ہوتی ہوں, تو مجھ سے نا وہ ہو نہیں رہا. اور 5 منٹ تک سچ میں ڈائریکٹر سے لے کے اسپاٹ بوائے تک ہر کسی نے مجھے ایک ایک دفعہ بتایا کہ اس طرح سے بولو, اور پھر میں کری اور پھر الیاس سے کہتے ہیں, الیاس سے کہتے ہیں کس گناہ کی سزا ملے, مطلب اتنا وہ ہو گیا تھا. لیکن پھر کبھی کبھی اچھا بھی جاتا ہے. اچھا, آپ کو آپ کو کب ایسا کوئی موقع آیا ہو کہ ڈائریکٹر نے کہا ہو کہ کس گناہ کی سزا ملے, یا آپ کے اس میں ایسا کوئی آیا نہیں؟ اچھا, میرے ڈائلاگس میں ایسا نہیں ہوتا مجھے, بلکہ اس چیز پہ میرے ڈائریکٹرز وہ سارے مری میں برف پڑ رہی تھی, اور ہم لوگوں نے ایک دن پہلے برف باری ہوئی, اور ہم نے کہا کہ بس یہ نکلتے ہیں اس لیے کہ یہ برف کیپچر کرنی ہے, وہ سین کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی فار دا پروموز. تو زرنش پہنچ, اچھا زرنش نے کہا ٹھیک ہے میں لاہور سے آ رہی ہوں. اچھا, اب برف ایک پوائنٹ ہوتا ہے تو برف گرنا بند ہو جاتی ہے, پھر اس بعد ایک جی جمود ستاری ہو جاتا ہے جب ایکچولی ٹھنڈ ہوتی ہے. ہم مر رہے ہیں سردی میں, اور اتنی سردی تھی اویس
कि आप हम आग जला जला के से शॉर्ट के लिए खड़े होते थे कि यहाँ से यूँ करने के लिए यहाँ में आग लगाई। अच्छा। बहुत सख्त सर्दी पड़ी थी इस्लामाबाद में उन दिनों, और जर्निश पहुंची और पता चला कि जर्निश के कपड़े लाहौर में रह गए या पता नहीं बैरियर टाउन में पता नहीं कहाँ, और उस वक्त सीन होना है बीच में। मैंने लिटरली स्लीपर्स पहने हुए थे खुले और बर्फ के पानी के अंदर खड़े होकर हमने वो सीन्स किए हैं, और मेरे पास ऊपर ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। बेचारे इमरान ने अपनी जैकेट मुझे ला के दी और फिर एक शॉल के ये मर जाएगी इसको। लेकिन उसमें ना जर्निश का कसूर था क्योंकि हमने उनको 11th आवर पे बुलाया, ये बेचारी वहां से लाहौर से चल के आई सिर्फ उसके लिए। कसूर तो बर्फ का होने का, वो अचानक पड़ना शुरू हो गई बताए बगैर। मैंने कहा आप प्लीज एज अ फेवर आ जाएं और प्लीज हमारा शूट करवा दें, तो मैं जिस हालत में जैसे थी वैसे ही डायरेक्टली पहुंच गई। लेकिन हमें सख्त गर्मियों में सख्त सर्दियों में हर तरह, लेकिन इसमें तो इनकी गलती नहीं थी ना, मतलब इसमें क्या डायरेक्टर तो ये नहीं कह सकता ये बेचारी कह रही होंगी कि इस गुनाह की सजा मिल रही है। लिटरली तुम्हें याद है इमरान बर्फ के पानी में, आई स्वेयर आई किड यू नॉट, इट वाज सो फ्रिकिंग कोल्ड, और मैंने स्लीपर्स पहने हुए थे, मेरा पांव भीगा हुआ था एंड आई कुड नॉट फील माय फीट आउट, मुझे लग रहा था वो अल्फा ब्रावो चार्ली में उसके अल्लाह अकबर गैंग्रीन दिखाया था। अच्छा आपका जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि मेरा, मुझे डायलॉग्स में प्रॉब्लम नहीं होती, वो मुझे याद हो जाते हैं बहुत आराम से, लेकिन कभी अगर मुझे हंसने का दौरा पड़ जाए फिर नहीं, दैट्स बैड। वो तो बहुत सारे लोगों की बीमारी है ये, वो तो दो बहुत सारे लोगों की बीमारी है ये, रोते रोते निकलता है सीन। तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना? मुझे अभी तक ऐसा अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो आपके साथ सेट पे प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ या कभी होती है? क्या हो क्या? दिमागी मसले बहुत अपने अपने औरों के, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है यार। पता है इमरान इज वन ऑफ दोस पीपल जो इतने हम्बल, इतने मतलब सीनियर कब से काम, और उसके बावजूद इनसे हम्बल इंसान मैंने नहीं देखा। चक लिया आपने ये जुमला, मैं अभी यही कहने वाला था कि मुझे इनसे मेरी दूसरी मुलाकात है और मुझे बिल्कुल ये लगा कि आप वाकई इतने हम्बल, बिल्कुल नेचुरल, इजी गोइंग, कोई इनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है जो स्टार एटीट्यूड होता है। उस चीज पे गुरूर करें या उस चीज के लिए हम्बल ना हो जो आपकी अपनी हो। हाँ। ना आपकी जवानी अपनी है, ना आपका हुसन अपना है, ना आपकी दौलत, ना आपकी शोहरत, ये सब एक झटके की मार है। वो एक परवीन शायर का शेर है कि एक मुश्ते खाक है और वो भी हवा की जद में है, बिल्कुल जिंदगी की बेबसी का इस्तेआरा देखना, कि जिस तरह हाथ में मुट्ठी में एक खाक होती है ना वो यूं उड़ जाती है। तो ये अल्लाह की सारी दीवी चीजें जो आपसे किसी भी मिनट पर छीन सकता है। तो मैं अपनी किसी चीज़ पे गुरूर करूँ ना, मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं, ना पैसा मेरा अपना है, ना जवानी, ना हर चीज़ इतनी इम्परमानेंट है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जिन लोगों की गर्दन में अकड़ होती है, सरिया होता है, या वो किस चीज़ पे गुरूर है, किस हर चीज़ इतनी, यानी कि सेलिब्रिटी स्टार बनने के लिए ये हल्का फुल्का जो कहते हैं थोड़ा सा तो रखना पड़ता है, थोड़ा सा जरूरी रखना पड़ता है एक पॉइंट पे, इसलिए कि आप इतने हम्बल भी नहीं हो सकते कि आप मॉल्स पे जाते हैं तो लोग आपके ऊपर टूट, आप सबके साथ अपना सेल्फियां ले सकते हैं सबके साथ, लेकिन ना एक स्माइल आप दे सकते हैं, बिल्कुल। और ये एक बहुत बहुत बड़ा सदका जा रही है, बिल्कुल मैं भी कुछ कहना चाह रही हूं। कहिए कहिए, आपकी तरफ ही आ रहे थे, फैन मोमेंट आपसे मैं पूछना चाह रही हूं, आपका आपके साथ अभी तक का जो क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है इन लोगों के बारे में कहना चाहती हूं। पहले छोटी सी बात कि देखिए मैं बिल्कुल नई थी और मेरा कोई किसी को नहीं पता था, लेकिन इन लोगों ने सबने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है, मुझे इतना सिखाया है, मेरे साथ इतने काइंड होकर इन्होंने काम किया है, मुझे कभी भी इस तरह नहीं फील कराया, क्योंकि आपको पता है जब सेट पे होते हैं आपके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, लेकिन इन सब ने मुझे इतना, मतलब मुझे इतना होमली फील कराया है, मेरे डायरेक्टर से लेके मेरे सारे कोस्टर्स, और आप सब बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा मेरे पास कुछ मजे मजे के सवाल आते हैं। अच्छा ले आए पहले फैन मोमेंट अपना बताएं। मुझे याद है एक दफ़ा क्या हुआ था, हम लोग सेट पे थे, मैं वापस आई ना सेट से, तो इनको पता चला था कि बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए थे, तो मैं आई सेट पे तो उन्होंने कहा आज तुम्हारे फैन मिले थे ना, मैंने कहा हाँ, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवाई थी, तो वो मुझे एक यादगार है कि मतलब किस ऐसा फील हुआ। और ना और मैं यूनिवर्सिटी में बहुत दफ़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि एक लड़की मतलब जो ड्रामों में आती है, तो मुझे हर कोई अब जानता है, और सारे जितने भी गार्ड से लेकर सारे लोग जो आंटीज होती हैं वो गेट पे हर किसी का कार्ड चेक करती हैं, लेकिन मुझे ऐसे करके सामने मुझे इस तरह बड़ा अच्छा लगता है। ये इमरान की बात याद रखना कि सर पे नहीं सवार होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल वो मैं याद रखूंगी कि ये छिन सकता है एक सेकंड में, एक सेकंड में मैंने देखा है लोगों से छिनता हुआ, और आप खुदा ना खासा एक झटके, एक एक्सीडेंट, एक कमर के चुक्की मार होते हैं कि आप सीधे ना हो, सीरियसली ये बहुत अजीब सी बात है कि आपकी नहीं बिल्कुल ठीक है। अगर ऑन अ सीरियस नोट, सुपरमैन का कैरेक्टर जिसने किया था उसके साथ क्या हुआ, एक्सीडेंट और फिर वो बिल्कुल जिस तरीके से पैरालाइज हो गया, तो कुछ भी हो जाए, और आप ऐसा भी होता है कि आप सही हैं बिल्कुल,
جسمانی طور پر, لیکن وہ جو شہرت تھی وہ ختم ہو گئی اچانک. شہرت ختم ہو گئی اور وہ فار نو رائم اور ریزن ختم ہو جاتی ہے, بعض دفعہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ تو بڑی اچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ کا کریزی فین مومنٹ؟ دے آر اینڈلیس, دے آر اینڈلیس, یادگار ہر قدم پہ بہت سارے اور عجیب و غریب ہیں. کوئی گھر سے بھاگ کر آ گئی, کوئی کچھ تو کچھ. اب تو ان کو آپ نے گھر سے کیسے بھیجا؟ ایک سیٹ کا میں بتا سکتا ہوں. ہاں بتاؤ تو. جو ایک لڑکی شادی کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کینیڈا سے آ گئی تھی اور پتہ نہیں کہاں سے نمبر نکلوایا اور شی واز کریزی آفٹر ہم. اس کا گھر کسی طریقے سے پتہ کروا لیا, اپنی برادری لے کے پہنچ گئی اینڈ ہی واز فریکنگ آؤٹ آن دی سیٹ, واٹ ڈو آئی ڈو. اور اس نے کہا اس کو اندر مت جانے دینا, کوئی بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی. پھر مطلب میں نے کہا میں آپ کی پولیس میں رپورٹ کر دوں گا. وہ مجھے کب سے اسٹاک کر رہی تھی اس کے اوپر اینڈ اٹ واز سکیری. مطلب اب تو میں اریٹیٹ ہونے لگا. سدھری چلی گئی یا پھر؟ ہاں چلی گئی فائنلی, پولیس ولس کو کروانا پڑا. اور وہ جو گھر سے بھاگ کے آئی تھی یہ وہی ہے؟ نہیں وہ دوسری تھی. ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ تو ایک اور چینل پہ, نام لے سکتا ہوں جی, ہاں دوسرے چینل اے پلس اے ٹی وی کا چینل تھا. فرح جو ہے وہ شو کر رہی تھی تو ان کے پاس وہ آ گئی تھی. وہ سمجھتی کہ میں ان کے انٹرویو میں نے دیا تھا ان کے شو پہ, تو وہ سمجھیں کہ شاید میں ادھر ہی یہیں میرا پایا جاتا ہوں تو امپلائی ہوں شاید, یہ انٹرویو دے کے پھر واپس کمرے میں گھس جاتا ہوں انہیں کے. تو وہ ان کے پاس آ گئی, مجھے عمران عباس سے ملنا ہے, کل میری شادی ہے, میں نوشہرہ اپنی مردان سے آ گئی ہوں, میں تو خواب میں دیکھا عمران سے میں شادی کروں گی, اب تو میں نہیں جاؤں گی. پھر انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے کہا بھائی مار دیں گے پٹھان وٹھان مجھے گولیاں وولیاں, کیا میں کیوں اس پہ انٹرپٹ کروں اس کہانی. ایک منٹ مجھے فون آ رہا ہے کچھ. ہاں چار لوگ نیچے جمع ہے میرے لیے, پتہ نہیں آیا بھائی کچھ دے دے واپس ان کو پیسے یار, پیسوں کے لیے آئے ہیں نا. گڈ ون, یہ ہے بندہ گڈ. اب جا کے دیکھتے ہیں اور دے دینا پیسے مجھے, کیونکہ میں غریب آدمی ہوں. سمپل ٹھیک ہے, چلو پیسوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب جو مزے مزے کے سوال ہیں اس کی طرف آتے ہیں. ان سے تو پوچھ لیں, آپ بھی بھول جاتے ہیں مزے مزے کے سوال. ان کو مزہ بہت آ رہا ہے ویسے, میں آپ کو بتا دوں گپ شپ لگانے میں. آ رہے ہیں نا سوال, آ رہے ہیں بس, آ رہے ہیں سوال, لیکن بس یہ آخری ہے آخری. آپ کا کریزی فین مومنٹ کون سا رہا؟ اچھا ویسے تو اس طریقے سے فینس وغیرہ آئی جاتے ہیں, آئی فائنڈ اٹ ریلی سویٹ. میرے لیے کریزی سے زیادہ امبیرسنگ ہوگا. دیر واز دس ون ٹائم میں نے بہت آئل کی چمپی کی بھی تھی اور آئی واز ڈریسڈ ہیڈیسلی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اچھا تو کیا نام ہے, اچھا تو میں نا مجھے کھینچ کے چلے گئے میرے فرینڈس کے, چلو چلتے ہیں باہر نا. اب ہم بیٹھ کے کہیں کھانا کھا رہے تھے جنا سوپر میں, ٹھیک ہے, چمپی اور اس قدر بری حالت کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. کہاں کھانا کھا رہے تھے؟ اب میں جگہ بتا دی, میں وہ بتا دی, ایف سکس بولا. ہاں بس میں وہیں کھانا کھاتی ہوں زندگی. تو وہاں پر نا اچھا مجھے نا نظر آیا, کچھ پہلے فینس آئے, پکچرز لیں. اب میں امبیرس ہو رہی ہوں کہ یا اللہ یہ لگا بھی دیں گے کہیں, ٹیگ بھی کر دیں گے. دین دیر واز اے گروپ آف پیپل جو آنٹیز تھیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ بیٹھ کے ڈیڑھ گھنٹہ جب تک میں نے کھانا کھایا وہ یہ بات کر رہی, یہ وہ ہے نہیں, ہو نہیں سکتی, وہی ہے, ایسی بری حالت نہیں سکتی. اینڈ مجھے پتا تھا کہ یہ بات چل رہی ہے اور میں اور میرے دوست ٹیبل پہ بیٹھ کے ہنس ہنس. انہوں نے آ کے پوچھا نہیں؟ نہیں, آئے ایونچولی, کہتے ہم کافی دیر سے کر رہے تھے بات اور آپ وہی ہیں نا, کنفرم کر دے بھائی, میں لگ نہیں رہی لیکن میں وہی ہوں. اچھا آپ نے بتا دیا ان کو, ورنہ آپ مکر بھی سکتے تھے. نہیں تو مجھے مطلب ایسا میں اتنی کوئی ایسا کیسے کہہ دیتی, وہ میری بیوٹی کانشیس نہیں ہوں میں ایکچولی. اصل میں عمران سے پوچھے, میں ایکچولی ایسی ہی ہوں کہ مجھے اپنے پیجز اپنے کمفرٹ زون میں, مجھے نہیں پڑتا جسٹ چل ایٹیٹیوڈ. ہاں مجھے بالکل نہیں ہے کہ او یہ اینگل بھی اچھا لگے, یہ بھی ہر وقت آپ ایک کیریکٹر میں چلیں. نہیں, آئی ایم پریٹی مچ مائی سیلف وین آئی ایم ناٹ آن کیمرا. کہاں ہوتے ہیں ایسے ایکٹرز بھائی, واقعی بڑی بات, جنتی لوگ ہیں, کیا بات. گڈ, اب جو ہے وہ سوال آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہاں نہیں, آپ کریں گے, آپ پہلے, آپ پہلے, آپ جو تو چاہے بالکل. ان میں سے آپ کس کے ساتھ سیلفی لیں گی, کس کو اسمائل دیں گی اور کس سے جان چھڑائیں گی؟ تین نام میں دے دیتا ہوں, فواد چودھری, شاہد خاقان عباسی اور شیخ رشید. اسمائل, سیلفی اینڈ جان چھڑانا. جان آپ سے بھی نہیں چھڑاؤں گی, مطلب بندہ کنورسیشن سے پتا چل جاتا ہے انسان کس طرح کا ہے, تو لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے آپشن نہیں دی. چلو ٹھیک ہے, اگر تریج جی جی راہ چلتے ہوئے کوئی بری اداکاری کا تانا دے تو کیا جواب دوں گی؟
दुआ करें बेहतर कर लूं। क्या बात है, स्वीट जवाब है, जबरदस्त, गुड। सरनिश, मोबाइल आप इस्तेमाल कर रही हैं? मेरा सवाल मुझसे बहुत अलग पर्चा है ना वो। अच्छा अच्छा, वो अलग पर्चा है। वो वाले मत पूछिए कौन बेहतर एक्ट्रेस, कौन बुरी एक्ट्रेस, वो होगा तो मैं काट दूंगा बिल्कुल। प्लीज, वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं, वो ये बात हमारी हुई थी कि भाई रेटिंग नहीं करते, बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ऐसा ही, और होस्ट बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं इस नेगेटिव एयर को क्रिएट करने में। ये जो किसी को आपने एक्टर कह दिया, किसी को आपने कहा उसको नहीं करनी चाहिए कुछ, बेसिकली होस्ट का काम है कि वो उसको कंट्रोल करे अपने शो की रेटिंग के लिए। लोग किस तरह की एक छोटी सी इंडस्ट्री के अंदर एक नेगेटिविटी है और फिर वो बात कितनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, बदमजगी होती है लोगों में। आप मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी? हाँ, तो कर ले, कौन सा क्लास में। सवाल जो मुझे लिख के दिया है वो ये, कभी वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल किया है? हाँ, ऑल द टाइम वॉशरूम में तो करना ही होता है। मतलब नो 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 नो, हाई फाइव, हाई फाइव, नहीं नहीं, अच्छा मैं नहीं, हाई फाइव, आई शुड से थिंग्स टू माय सेल्फ एंड देन आउट लाउड। नहीं, मेरा मतलब है कि यूजुअली आपके क्या हो रहा है ये, जैसे सेट वगैरह पे होते हैं, अगर आप बाहर छोड़ जाओ तो फोन मिलता थोड़ी नहीं, घर में आपको ज्यादा टाइम, घर में देखिए सबसे अच्छा कमरे में, पूरे घर में सबसे अच्छा जगह थी ना, मोबाइल यूज कर रहा था, इन्होंने कहा कौन करता है, मैंने कहा अभी गूगल पे स्टैट्स निकाले, 80% लोग किताब, अखबार, मोबाइल वॉशरूम में पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे इसके पीछे एक फनी रीजन है, यू नो हाउ पीपल से के वॉशरूम में यू नो, तो मुझे बहुत डर लगता है बाथरूम से, मुझे जाने से ही तो रात में तो मेरी कोशिश होती है मुझे उठना हो तो मैं ना ही जाऊं, सुबह तक वेट ही कर लूं, तो मैं इसलिए अपने साथ फोन लेके जाती हूं ताकि मेरी अटेंशन ना डाइवर्ट। लेकिन मतलब चलो 80% लोग करते हैं ये, क्या करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें बुरी बात, गुनाह थोड़ी है। गुनाह सवाब की बात नहीं होती हर चीज। नहीं तो किसी को नहीं, तो सवाब उनके लिए, उनके लिए इट इज समथिंग नॉर्मल, आपके लिए एबनॉर्मल है तो आप ठीक है। हाँ सही है, ओके, ऐसे ही है, मतलब मूव ऑन करते रहे भाई, जिसको करना करे, मुझे क्या, मैं नहीं कर रहा हूँ तो ओके। एक ही वक्त में तीन किरदारों की ऑफर हो तो कौन सा किरदार आप निभाएंगी? बिल्कुल, अनारकली, लैला, नखरीली हसीना या गुंगी बहू? गुंगी बहू सबसे नखरीली हसीना, मुझे मजा आएगा करते हुए। नखरीली हसीना, ओके, जबरदस्त। अभी भी तो नखरीली हसीना है एक तरह से, नखरीली नहीं हूँ। अच्छा, हसीना अगर आप कहेंगे तो ठीक है। बहुत नहीं, आई जस्ट किडिंग, आई स्वेयर। अच्छा, मेरा ना सेंस ऑफ ह्यूमर के चक्कर में मैं बातें कह जाती हूँ, प्लीज गाइस इट्स जस्ट सीरियस वाली। अगर आप बताइए, अनारकली, लैला, नखरीली हसीना या गुंगी बहू? अनारकली। गुंगी बहू कर लो, सेम है तुम्हारे लिए। अनारकली को चुनाव भी देते हैं दीवारों में, हम सब के लिए बहुत बेहतर है। डायरेक्टर या सब बहुत खुश होंगे गुंगी बहू पहले तुम्हारे लिए। लेकिन वो चुनने वाला सीन आ गया तो मुझे मजा आएगा। वो कौन सा गाना था? हाँ, इश्क था ना, प्यार किया तो डरना क्या, नहीं वो प्यार, इश्क और मोहब्बत। हाँ, वो तो उसमें अनारकली के चुनने का जो सीन था और वो कितने मजे से, मतलब कितने एलिगेंट दिखाई हुई है ना, दूसरी थी प्यार, ये बड़ा दिल करते हैं। नहीं नहीं, गाना जो था प्यार, नहीं 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 इश्क, इश्क जिसको, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत अपनापन। हाँ, अच्छा वो इश्क मोहब्बत अपनापन, हिमालय वाले चले गए बिल्कुल, थोड़ा सा उधर चले गए, बॉर्डर के पार, बॉर्डर के पार चले, आप बॉर्डर से वापस आ जाए ना, पार कर ले इस तरह। बंदर मकसूद साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था ना, कि उनसे कहा कि भाई हुक्मरानों को कैसे चुने, जैसे अनारकली को चुना था ऐसे ही चुनना चाहिए अक्सर देख कर आता ही। अच्छा, फिल्म देखने के लिए दो पासेस हैं आपके पास, और एक पे तो आप जाएंगी, दूसरा आप किसको लेकर जाएंगी? आमिर लियाकत, उस्मान बुज़दार या फिरदौस आशिक अवान? इमरान। नहीं ये ऑप्शन नहीं है, गए हुए मुल्क से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बताना मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा उनके साथ जाके, मैं क्या बात कर रही हूं, इसमें से किसी के साथ नहीं होंगी वैसे, ये हम आपको बता दें। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं, यू सजेस्ट अ नेम, फिरदौस साहिबा, फिरदौस इट इज। एक सेफ ऑप्शन शायद लिखने वाले ने इसीलिए रखा था शायद, मुझे लग रहा है, ताकि बचत हो जाए आपकी। ओके, अब हम आपके सवालात पर आ जाते हैं ना सर, अलग सा पर्चा है, नहीं नहीं कोई ऐसी टेंशन वाले सवालात नहीं। आपके पास सिनेमा के दो पासेस हों तो आप अपने साथ किसको ले जाना चाहेंगे? फिरदौस आशिक अवान, शीरी मजारी, उस्मान बुज़दार? शीरी मजारी। इंटरेस्टिंग चुनाव, क्यों? मुझे लगता है बहुत कूल कमेंट्स होंगे उनके, और बहुत मुझे लगता है शी इज वेरी यंग एट हार्ट। यंग एट हार्ट, वैसे हाँ वो तो उनके जो स्टाइलिंग सेंस है उससे भी
लोग हमेशा मुझे वो याद है बचपन में उनके मोव बाल जो देखते थे वो अभी मोव ही है सेम मोव है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अभी उनके मोव बाल लेकिन कोई डेयर नहीं कर सकता था पर्पल कलर के बाल जब वो होस्टिंग करती थी पर्पल हेयर मतलब कैन यू इमेजिन जामनी बाल सॉरी अब ये जो आप बड़े बोल्ड और बड़े आपको जो है ना बड़ी स्टेटमेंट है उनकी हर स्टाइल के इधर भी तो स्टेटमेंट है बात हो रही नहीं तुम्हारे तो अच्छा अगर किसी को प्रैंक कॉल करनी हो तो आप किसे करेंगे महविश हयात हिना दिलपजीर माहिरा खान प्रैंक कॉल कौन है जो माइंड नहीं करेगा और कौन है जो माइंड करेगा और कौन है जो मजा देगा आपको उस प्रैंक कॉल पे आगे से ऐसा रिस्पांस आएगा कि आप वो एंजॉय करेंगे तीनों ही दोस्त हैं मैं आपको प्रैंक करने की क्या जरूरत है ऐसे ही आपने सोचा कि चलो एक कोई और बन के फोन करें आप हिना दिलपजीर हां हिना को उनसे बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा हां सही है और नाराज कौन होगा इन तीनों में से नाराज कोई नहीं होगा अच्छा वो कोई प्रैंक कॉल पे नाराज नहीं नहीं मतलब अच्छा उस तरह अगर प्रैंक समझ के लगता है महफिश होगी मेरा हां ओके ठीक है इंडस्ट्री में वो कौन सा है जिसका पहला इंप्रेशन आप पर बहुत बुरा पड़ा था उसके बाद फिर सही हो गया मेरे साथ उल्टा ही हुआ है मेरा शुरू में बड़े अच्छे इंप्रेशन होते हैं बाद में मिलता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या बुत था जो मैंने बनाया हुआ था और क्या गिर गया और ये सिर्फ यहाँ नहीं वहाँ भी अक्रॉस द बॉर्डर भी यहाँ भी और वहाँ भी इसलिए मैं अब जरा थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखता हूँ इसलिए कि जो भरम बना होता है ना लोगों का वो कायम रहना चाहिए लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ वेरी गुड नोट बट इट एंड्स अप लोग सेल्फिश हैं क्या सेल्फिश नहीं सेल्फिश कौन नहीं है सभी सेल्फिश होते हैं लेकिन वो बात नहीं है जो आप सोच के चलते हैं ठीक है हम जाहिर है नामों पर तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात हो जाती है कि आप कुरेदें फिर के अच्छा बताओ हां मैं आपको ये बताता हूं कि जिसके बारे में मुझे लगता था कि रीमा का मुझे लगता था कि नहीं वो तो बहुत ज्यादा रीमा इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन प्रोबब्ली इन द इंडस्ट्री एंड मुझे लगता था कि यार उसके अंदर बहुत एटीट्यूड और सब कुछ वो बट व्हेन आई लाइक केम अक्रॉस इंटरैक्ट किया उनके साथ सब कुछ मैं जो फिल्म पहली दफ़ा मुझे किसी ने देखा था मॉडलिंग के लिए तो उसमें उनकी शूटिंग देखने गया था मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में था या सेकंड ईयर में था और मेरी कुछ सप्ली शपली आई थी तो उनकी शूटिंग हो रही थी किसी फिल्म की तो मैं वो देखने गया था और मुझे मैंने कहा यार मैंने रीमा को करीब से देखा और वहाँ मुझे खावर रियाज ने कहा था कि आप एक्टिंग करें सॉरी मॉडलिंग करें और आज रीमा इज़ माई क्लोजेस्ट बड़ी एक दिन वो भी था कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैं तुम्हारे साथ किसी टेलीफिल्म में करनी थी लक्स की सॉरी एक ब्रांड की एक साबुन के निजी साबुन की एक कंपनी के लिए तो रीमा ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ मुझे दूसरा एक्टर की ऑप्शन है लेकिन आप मैं तो एक वो वाला टाइम भी आया सो अब नाउ वी आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ग्रेट तो वो जो पर्सनालिटी का एक इमेज बना हुआ होता है पहला इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन बुरा नहीं था लेकिन लगता था कि बहुत ज्यादा इनके अंदर एक एटीट्यूड होगा मतलब ये बात नहीं करेंगी या सीरियस रहेंगी द रीमा ना द रीमा बिल्कुल और ये अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी हुआ अच्छा आई मीन दिलीप कुमार साहब के साथ उन्होंने मुझे दो दफा बुलाया घर अपने ईद पे और तो मुझे लगता था कि वो लेकिन इतने प्यार से मुझे मिले और इतना ज़्यादा उनका बहुत सारे लोग थे इंडिया में तो खैर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आशा भोसले मुझे बहुत पसंद थी हमेशा से जब मेरी तो मुझे उनके फ़ोन भी आते हैं अक्सर कि भाई क्या तो वहाँ पे जवाब गए आपका किसके साथ ऐसा फैन मोमेंट था जो आप चाहते थे कि यार ये शख्स है इसको मैं देख देख के बड़ा हुआ मैंने वहाँ सबके साथ मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया मैंने धर्मा में भी काम किया मैंने हर बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ माशाल्लाह सबके साथ ही मैंने और मैंने वहाँ वहाँ बड़े बड़े शोज होस्ट किए जिसमें मुझे हर बड़े एक्टर के साथ इंटरेक्ट करने का वक्त मिला लेकिन जब यहाँ से जा रहे थे तो क्या सोचा कि कोशिश करूंगा इससे मेरी मुलाकात माधुरी दीक्षित श्रीदेवी से तो मेरी बहुत दफा हुई थी अच्छा। और माधुरी दीक्षित से मेरी होते होते रह गई और प्रॉब्ली एक प्रोजेक्ट था पाइपलाइन में जो हम कर रहे थे साथ तो वो भी अभी देखिए शायद शुरू हो शायद नहीं लेकिन वो वाली बस माधुरी से मिलना रह गया वो एक मेरी इतनी बड़ी मेरी हमेशा से क्रश रही है मेरी जिंदगी वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई वो इच्छा मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई क्रश क्रश गुड चलिए हम क्रश पर नहीं जाते क्रश वाले सवाल को क्रश करते हैं अब हम चूंकि आखिरी बिल्कुल मरहलों में है प्रोग्राम के तो वो जो गाने वाली बात थी अभी तक मेरे जहन से निकली नहीं है और हमारी प्रोड्यूसर भी बार बार हमें वो कह रही है कि इन सब से थोड़ा थोड़ा सा गाना सुनना है यही से शुरू करते हैं आप चूंकि करीब है चलो भाई हरीज अच्छा मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लूँ कुछ कहीं से भी स्टार्ट कर लो दिल से तू चाहेगा नहीं तू दर्द समझेगा ये नहीं
मुश्किल है आगे जिंदगी। क्या बात, आगे भी तो होगा कुछ। अभी तो हमारा आगे क्या था? हाँ, अभी तो बिल्कुल अभी मतलब तो मुखड़ा। हाँ हाँ, मन था बड़ा तू होता मेरा, तू न मिला हम है तेरा, तू क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तलक ना समझे बुरे हैं क्या इतने, तुम आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे, सोचा तुम्हें जो रात दिन जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताएंगे, दिल को क्या बताएंगे। वाह 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 वाह, देखिए गुड, थैंक यू सो मच। या उतार चढ़ाओ, आई एम सरप्राइज्ड, आई मीन वाओ, रीच कमाल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये तय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, चले भाई आ जाए भाई, सोच लिया? नहीं नहीं, ये हमने आपने कहा था ना बेस्ट, तो सेव द बेस्ट फॉर लास्ट करते हैं ना। सेव द बेस्ट फॉर लास्ट हो गया ना। अच्छा, कौन किसको बेस्ट कह रहे हैं पता नहीं, आप तो हम थोड़े ही ब्लश कर रहे हैं, बता दे किसको ना चाहिए। चलो सही, दोनों खुश हैं, बिना किसी शक के वो बेस्ट है, पर मुझे गाना नहीं याद है। वो लिख के लेकर आती ना आप, आपने बताया नहीं मुझे। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो बहुत है वैसे ना, गाना याद नहीं आ रहा आपका सबसे। अच्छा, फेवरेट सिंगर कौन मेरे टॉप ऑफ माय हेड एक वो पंजाबी गाना है। हाँ, जिसका हाँ, वो हुआ हुआ है तो मैं वही सुना देती हूं, लोग कहेंगे हर शो में शुरू हो जाए। नहीं कोई बात नहीं, नहीं हमारे शो में भी शुरू। नहीं जाना मेरी माए, मैं देना ले नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं जाना, पहली पहली बार मैनू द्योर लैण आ गया, पहली पहली बार मैनू द्योर लैण आ गया, द्योर दे नाल मेरी जांदी है बला, कुंड चुकिया ना जाए, मुआ पोलिया ना जाए, कुंडा खोलिया ना जाए, त्योर वे त्योर ते दिल दा चोर, मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं जाना, मैं दे नाल नहीं जाना, मैं दे नाल नहीं जाना। थैंक यू, बड़े आप तो मतलब बैठे भाई, जो भी रुस्तम निकली आप तो, आपने तो ऐसा माहौल बनाया था कि जैसे बड़ा मुश्किल, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू, वाह शुक्रिया। अब इमरान आ जाएं जी, प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा अब आप पर, उनको लेने की जरूरत है अब आप थोड़े तो सही। अच्छा, टफ कंपटीशन तो है, मैं दिया साहब का एक है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दिल गुस्ताख को महरूम में मोहब्बत कर दे, अपनी नफरत से मेरे प्यार का दामन भर दे, आके बिखरे नहीं महकी हुई यादों के कंवल, आके टूटा नहीं यादों का हसी ताज महल, अभी तकदीर के गुलशन में खिजां बाकी है, एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है, एक सितम और
और मेरी जान अभी जान बाकी है. क्या बात, डूब कर गाना जो होता है, भी लग सकता है डूब कर गाना. वो उसका ये मुजाहिरा था. हाँ, और वो आंखों में नजर आता. हाँ, मतलब exactly. मतलब वो जो नजर आता है वो नजर आता है. बिल्कुल. किसके लिए गाया ये? किसी के लिए नहीं, अपने लिए. अपने लिए. खुद ही सितम करेंगे अपने ऊपर, खुद ही सहेंगे, खुद ही आगे बढ़ेंगे. बहुत प्यार है अपने आप से. आई लव माय कंपनी. आई लव माय कंपनी. आई लव बीइंग विद माय सेल्फ. मैं अपने आप की फेवरेट, अपने आप का फेवरेट हूँ. बेहतरीन, जबरदस्त. मतलब ये जो स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया, it's very hard to match for the people to come. For generations to come. For generations to come. Good ji, bahut shukriya aap teenon ka. Bada maza aaya, bahut enjoy kiya humne. Aur jo drama hai usko bhi yakeenan nazreen bhi enjoy karenge. Aur agar thodi bahut kasar jo reh gayi thi wo hamare show se humne thodi koshish ki. Ek second, hum yahan clarify karte hain kuch cheezon ko. हमारे कुछ बहुत फेक अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे. okay, और उस पर तो हम अपने अपने इंस्टा हैंडल्स आपको बताएंगे यहाँ, ताकि हमें सही लोग फॉलो करें. ज़र्निश आपका क्या है जी? ज़र्निश खान. अभी फॉलो भी कर लेते हैं ना, निकालें और शुरू करते हैं. और क्या ज़र्निश खान की स्पेलिंग से अक्सर लोग, क्योंकि वो होता है कि जी जेड से होता है या जी या एक्स से. क्या ज़र्निश आपका क्या है? मेरा लिखेंगे आप एक्स से तो आएगा. जी व्हाट टाइमिंग ना कि और ज़र्निश खान स्पेलिंग जो है वो एग्जैक्टली बता देंगे तो लोगों को. XARNISH KHAN सब को पता ही है, लेकिन मेरी प्रोफाइल पे मेरा जो स्पेलिंग्स हैं वो Z से हैं. ओके. अच्छा, मेरा जो imranabbas.official है इंस्टाग्राम हैंडल. ऑफिशियल imranabbas.official. और प्लीज, मैं पिछले कई सालों से इस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हूँ कि मेरे नाम पे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं. बीसियों नहीं, हज़ारों नहीं, सैकड़ों, शायद पता नहीं सैकड़ों नहीं हज़ारों, और मैं शायद पाकिस्तान में इतने फेक अकाउंट्स और किसी एक्टर के नहीं हैं. और उस पर लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं लड़कियों से और बहुत गलत किस्म की चीज़ें हो रही हैं. मैं आप एक दफ़ा प्लीज़ इस चैनल के तवस्सुल से बात कहूँगा कि जो सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उन्हीं का, मेरे वेरीफाइड अकाउंट को फॉलो करें. और किसी से अगर आप किसी रबते में हैं किसी ऐप के थ्रू, वो मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हूँ किसी ऐसी हरकत का जो मेरे नाम पर कोई और कर रहा है आप लोगों के साथ. आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स लाइक इट्स बीन एजेस. मुझे कई 10-12 साल से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन लेटली बहुत ज़्यादा हो गई. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को बताया जाए कि भाई जो ये हैं वेरीफाइड प्रोफाइल है जी, और ऑफिशियल ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक वो सारे वही. फेसबुक का वेरीफाइड मेरा फैन पेज है बट नॉट माई प्रोफाइल. ठीक है, बट प्लीज फॉलो द राइट पीपल. बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट. अरीज Muhyuddin, और मुझे पहचानने के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक डव बनी हुई है आगे नाम के, तो वो मेरा ये भी अच्छी आपने निशानी डव बना दी. कोड वर्ड है ये, सीक्रेट कोड. अरीज मुहिउद्दीन 007. गुड, ठीक है जी. तो हम भी अपना सोशल मीडिया बता ही देते हैं लोगों को भाई कि हमारा सोशल मीडिया भी आप फॉलो करते रहिए और हमारे भी नाम लिखिए, हमें ढूंढ लीजिए. हमारे फेक अकाउंट मेरा तो नहीं है, आपका शायद होगा, पता नहीं. फैन अकाउंट्स हैं, फेक नहीं कह सकती मैं, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल है, वो मेरा नहीं, मेरे मेरी सुपरविजन के अंडर वो काम नहीं कर रहा, तो जो भी है वो शख्स खुद ही कर रहा है. माशाल्लाह, क्या बात है. तो आप ढूंढिए और सही शख्स तक पहुंचिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कोई भी अगर ऐसी वैसी बात हो रही है, इमरान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आप बिल्कुल उस पर कान ना धरें जो ये हैं वो आपके सामने हैं, और बिल्कुल किसी किस्म की कोई हैंकी पैंकी, कोई उल्टी सीधी चीज़ टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए किसी भी तरीके से. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का.